आरंभ के YouTube चैनल पे आपका एक बार स्वागत है। ठीक है, मैंने आपसे वादा किया था कि एग्जाम से ठीक पहले आपको एक फिनिशिंग टच दिया जाएगा, और फिनिशिंग टच का एक श्रृंखला आपको कल मिल गया था, और आज उस श्रृंखला की आखिरी कड़ी है। और आज आपको टोटल 150 क्वेश्चन आपको दूंगा, और कल आपको लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास थे। ठीक है, ये 200 क्वेश्चन अगर आप करके चले जाओगे मेरे भाई मेरे दोस्त, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने की संभावना है। बस इतना करके चले जाओ, आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, चाहे जिस लेवल के हो आपको सारे के सारे लेवल इसमें दे दिए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते फिर, है ना। और सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया भाई 8, 10, 12, 17, 42 और 74, है ना। अब देखो एक चीज याद रखो, जैसे कहा गया भाई 8, 10, 12, 17, 42 और कितना दिया गया भाई 74, है ना। सब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, सबसे पहले अंतर निकालो, अंतर कितने का आ गया 2, ये अंतर कितने का आ गया 2, ये कितने का हो गया 5, ये कितने का हो गया भाई 25, और ये कितने का हो गया भाई 32, है ना। ठीक है, कितना आ गया 2, 2, 5, 25 और 32। मैंने नंबर सीरीज में आपको एक कंसेप्ट दिया था कि अगर कभी भी किसी भी नंबर सीरीज में नंबर क्या कर रहा हो, रिपीट कर रहा हो, इसका मतलब या तो एक से गुना और या तो एक से क्या किया गया होगा, भाग किया गया होगा। तो 2 × 1 कितना हो गया 2, 2 + 3 कितना हो गया 5, 5 × 5 कितना हो गया 25, 25 + 7। अब देखो × 1 + 3 × 5 + 7, ये सारी ऑड नंबर की सीरीज चल रही है। पहले क्या हुआ भाई मल्टीप्लाई, फिर क्या हुआ प्लस, फिर क्या हुआ मल्टीप्लाई, फिर क्या हुआ प्लस, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, और कितना आ जाएगा मेरे भाई 288, और 288 में जब 74 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 362। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा आ गया बी, ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया मेरे भाई बी आ गया। और देखते के साथ इसे क्या कर देना है, टिक मार देना है। जब भी देखना अगर नंबर सीरीज का वीडियो देख लेना भाई मेरे ध्यान से, ठीक है। अगर नंबर सीरीज में आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है, आप नंबर सीरीज के 3 लेक्चर दिए गए हैं, तीनों को ध्यान से देख लेना, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये गारंटी रही। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर देखो क्या कह रहा है इसे। ये वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन है कि कहा जा रहा है कि भाई 400 विद्यार्थी, है ना, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, अगर वेन डायग्राम में इससे ज्यादा टफ सवाल आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, अब ये क्या सवाल है, कह रहा भाई 400 विद्यार्थी किसमें उत्तीर्ण हो रहे हैं भाई अंग्रेजी में, 400 विद्यार्थी किसमें उत्तीर्ण हो रहे हैं भाई अंग्रेजी में, और 500 विद्यार्थी किसमें हो रहे हैं भाई गणित में, और 350 विद्यार्थी किसमें उत्तीर्ण हो रहे हैं भाई हिंदी में, है ना। जब भी याद रखना अगर टोटल 3 वेरिएबल है तो 3 वेरिएबल का डायग्राम कुछ इस टाइप से आपको बनाना है, 3 वेरिएबल का डायग्राम आपको इस टाइप से बनाना है। और सबसे पहले याद रखना जब भी कोई भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट आपको फुलफिल करना है, क्या करना है इंटरसेक्शन पॉइंट फुलफिल करना है। कह रहा भाई 50 विद्यार्थी तीनों विषय में उत्तीर्ण होते हैं, तो भाई तीनों के इंटरसेक्शन पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि भाई ये मान लिया हमने इंग्लिश हो गया, और इंग्लिश में पास होने वाले की संख्या कितनी है 400, ये मैथ हो गया और मैथ में पूरे पास होने की वैल्यू कितनी है भाई 500, और ये हिंदी हो गया और हिंदी में पास होने वाले की संख्या कितनी है भाई 350। ठीक है, कह रहा 100 विद्यार्थी गणित तथा हिंदी में उत्तीर्ण हो रहे हैं, है ना, मैथ और हिंदी के कॉमन पॉइंट की वैल्यू कितनी है मेरे भाई 100 है। अब मैथ और हिंदी का कॉमन पॉइंट यही होता है ना, 50 पहले से मौजूद है, तो बचा कितना मेरे भाई 50। इसके बाद कह रहा है कि 100 विद्यार्थी केवल गणित और अंग्रेजी कह रहा है, ठीक है, मैथ में कितने थे 500 ना, तो भाई 100 विद्यार्थी क्या कहा गया केवल गणित और अंग्रेजी की बात कही जा रही है। अब जब केवल याद रखना, ये जो केवल और इंग्लिश में ओनली आता है ना, इसका मतलब है कि केवल गणित में इसका इस 50 से कोई मतलब नहीं होगा, इसका इस 50 से कोई मतलब नहीं होगा। 120 विद्यार्थी अंग्रेजी तथा हिंदी में, है ना, 120 विद्यार्थी किसमें होंगे अंग्रेजी तथा हिंदी में। अब देखो कह रहा है कि इंग्लिश और हिंदी में कॉमन पॉइंट की वैल्यू कितनी है भाई 120, 50 पहले से मौजूद है, बचा कितना मेरे भाई 70। अब आपको इस पूरे सर्कल की वैल्यू कितनी दी गई थी 400, और 100, 50 और 70 पहले से मौजूद है, यानी कि 220 तो पहले से मौजूद है, बचा कितना 180। इस पूरे सर्कल की वैल्यू कितनी थी 500, 100, 50 और 50, 200 पहले से मौजूद है, बचा कितना 300। सेम 170 पहले से मौजूद है, बचा कितना 180, है ना। अब देखो ये 180 आ गया, अब अंदर में जितने न्यूमेरिकल वैल्यू है ना सबको ऐड कर दो, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएगा। ठीक है, अब अंदर में कितने न्यूमेरिकल वैल्यू है 180 है, ठीक है,
प्लस कितना हो गया 100, प्लस कितना हो गया भाई 50, प्लस कितना हो गया भाई 70, प्लस कितना हो गया 180, प्लस कितना हो गया 50, और प्लस कितना हो गया भाई 300। ठीक है, सबको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 930, कितना आ जाएगा 930, है ना। इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी 500 है, 360 हो गया और 70, आंसर कितना आएगा इसका भाई मेरे 930, कितना आएगा 930। ठीक है, याद रखना जब भी दो वेरिएबल आएंगे तो दो वेरिएबल का डायग्राम इस टाइप से बनाना है, और तीन वेरिएबल आएंगे तो तीन वेरिएबल का डायग्राम आपको इस टाइप से बनाना है। ठीक है, चलिए अब देखो ये अल्फाबेट से जो क्वेश्चन दिया गया है, टेरर और रेड और एजुकेशन, आप लोग पूरा दिमाग लगाइएगा। ये देखो क्या हो रहा है, इसका लास्ट का टू वर्ड क्या है मेरे भाई, ओ आर है, और इसका फर्स्ट का टू वर्ड क्या है, ओ आर है। यानी कि लेफ्ट का टू वर्ड और इसका फर्स्ट टू वर्ड दोनों क्या है, सेम। यहां पे देखो आर ई, और यहां भी क्या है आर ई, ईडी ईडी ओ एन, यानी जो नेक्स्ट वर्ड होगा उसका पहला दो लेटर पता है ओ एन। ऑप्शन में देखो एक ही है, ऑप्शन के साथ चले जाइए, ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे भाई, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखो ये क्वेश्चन है ना कि अगर आप इसमें पोजीशन का जितना कंसेप्ट भी लगा लो, पोजीशन से क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा, है ना। दिस इज द नेम ऑफ मंथ, ये महीने का नाम है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, नेक्स्ट क्या हो जाएगा मई। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा मई, ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाओ, है ना। देखो ओ टी टी एफ एफ एस एस, है ना, इंग्लिश में वन लिखते हो, वन का पहला अल्फाबेट क्या हो गया ओ, वन के बाद क्या लिखते हैं टू, और टू का पहला अल्फाबेट क्या हो गया टी, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, नेक्स्ट क्या हो जाएगा मेरे भाई ई, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, क्लियर, चलिए कह रहा फाइंड द मिसिंग नंबर, आपको ऐसे मिसिंग नंबर बताना है। ठीक है, देखो इसमें क्या किया गया, चार इंटू तीन, चार इंटू तीन कितना हो गया बारह, बारह प्लस दो कितना हो गया भाई चौदह, आठ इंटू चार कितना हो गया भाई बत्तीस, और बत्तीस प्लस तीन कितने हो जाएंगे पैंतीस, नौ इंटू छह कितना हो जाएगा चौवन, और चौवन प्लस तीन कितना हो जाएगा संतावन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो क्या कहा जा रहा भाई, चौदह चार और क्या हो गया सोलह, है ना, ये चौदह है और चार का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा दो, चौदह में दो ऐड कर दो कितना आ जाएगा सोलह, अठारह, छत्तीस का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा छह, अठारह प्लस छह कितना हो गया चौबीस, उन्नीस, नाइन का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा तीन, और उन्नीस प्लस तीन कितना हो जाएंगे बाईस। बस इतना करके चले जाना मिसिंग नंबर में, जितने ही मिसिंग नंबर इसमें होंगे इससे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल ही कम होगी। पांच तीन 120, ऐसा जब भी 120 और पांच लग रहा है, ऐसा लग रहा है ये पांच का क्यू माइनस पांच होगा, ये बयालीस, इसे क्या लिख सकते हैं सात का स्क्वायर माइनस सात को। सर ये तीन और दो कैसे, ये मिडिल वाले नंबर को ही तो पावर में लेके गया गया है, पांच मिडिल वाले नंबर को, पांच का क्यू माइनस पांच, सात मिडिल नंबर कौन सा भाई स्क्वायर माइनस सात, आठ मिडिल नंबर कौन सा एक माइनस आठ, ऑप्शन ए जीरो। ठीक है, समझ में आ रही बात। चलिए इसमें कहा जा रहा है कि आपको लुप्त संख्या बताना है। ठीक है, अब देखो क्या कहा जा रहा है भाई, चौदह इंटू दस, चौदह इंटू दस कितना हो गया 140, भागा क्या हो गया 35, 140 भागा 35 कितने आ जाएंगे चार, 18 इंटू नौ, 18 इंटू नौ कितना हो गया 162, ठीक है, भागा क्या करो चौवन कितना आ जाएगा तीन, 36 इंटू चार कितना आ जाएगा 144, भागा कर दीजिए 16, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई नाइन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखो एक व्यक्ति क्या कर रहा है, 23 बार दाई और मुड़ता और 26 बार बाई और मुड़ता, उस व्यक्ति का मुख अभी किस दिशा में, यदि शुरू में उसका मुख किधर था भाई पश्चिम दिशा में। देखो 23 राइट है और कितना लेफ्ट टर्न है 26 लेफ्ट टर्न, है ना, इस 26 लेफ्ट टर्न को हम क्या लिख सकते हैं, 23 राइट प्लस 23 लेफ्ट प्लस 3 लेफ्ट लिख लेंगे। अगर कोफिशियंट ऑफ राइट और कोफिशियंट ऑफ लेफ्ट सेम हो तो याद रखना हमेशा सेम डायरेक्शन देगा, तुम एक बार दाई और मुड़ो और एक बार बाई और मुड़ो, डायरेक्शन तुम्हारा हमेशा क्या होगा सेम होगा। तो यदि कोफिशियंट ऑफ राइट और कोफिशियंट ऑफ लेफ्ट अगर सेम हो तो डायरेक्शन भी क्या होगा आपका सेम होगा। तो बचा कितना भाई थ्री लेफ्ट, और थ्री लेफ्ट इक्वल टू कितना राइट होता है वन राइट, एन ई एस डब्ल्यू, है ना, फेसिंग किधर था साउथ, और साउथ के राइट में कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा वेस्ट, है ना, अगर वेस्ट में था तो वेस्ट के राइट में कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्थ,
इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। वेस्ट के राइट का क्या आ जाएगा डायरेक्शन, नॉर्थ, है ना। चलिए एनईएसडब्ल्यू याद रखना, ये जो एनईएसडब्ल्यू होता है ना मेरे भाई, ये किसी भी डायरेक्शन का राइट और लेफ्ट के लिए होता है। नॉर्थ के राइट में ईस्ट, ईस्ट के राइट में साउथ, साउथ के राइट में वेस्ट, और वेस्ट के राइट में क्या हो जाएगा, नॉर्थ, ठीक है। अब देखो कह रहा, इन अ सर्टेन कोड बी होल्ड इज रिटन एज दिस, इंडीज इज रिटन एज दिस, देन हाउ विल बी कोर्स इज रिटन एज, है ना। देखो अगर आप इसे ध्यान से देखो ना, तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा गया है। जैसे बी होल्ड है, क्या है मेरे भाई, बी होल्ड, अल्फाबेट में सबसे पहले क्या आता है, बी आता है, तो बी लिख दो। बी के बाद क्या आएगा, डी, डी के बाद क्या आएगा, ई, ई के बाद एच, एच के बाद एल, एल के बाद ओ, ठीक है। लॉजिक समझ में आ गई बात। चलिए तो कहा जा रहा भाई कोर्स को क्या लिखा जाएगा, तो कोर्स में सबसे पहले तो क्या आएगा, सी आएगा ही आएगा, है ना। सी के बाद क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, ई के बाद आपका क्या आ जाएगा, ओ, ओ के बाद क्या आ जाएगा, आर, आर के बाद एस, यू, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया मेरे भाई, सी, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया मेरे भाई, सी हो गया, ठीक है। चलिए 19 324, 25 576, 9 के बाद क्या होगा। देखो ये जो 324 है, जब भी देखते हो दिमाग में आता होगा 18 का स्क्वायर, और 19 और 18 के बीच का रिलेशन -1 का है। 19 में से एक घटा दो कितना हो गया 18, और 18 का स्क्वायर कितना हो गया 324। 25 में से एक घटा दो कितना आ गया 24, और 24 का स्क्वायर कितना हो गया 576। 9 में से एक घटा दो 8, और 8 का स्क्वायर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी। देखो कहा जा रहा है फ्रेक्टस का कोड क्या है, 108 है, और स्प्रिंटर का कोड कितना है, 119 है। तो कह रहा मैस्कुलिन का कोड क्या होगा, है ना। फ्रेक्टस का कोड कितना दिया गया, 108, और स्प्रिंटर का कोड कितना दिया गया, 119। देखो जब भी अगर कुछ इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, ठीक है, क्या आ जाए भाई, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो सबसे पहले इसकी पोजीशन पे ही आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। याद रखना ये पोजीशन या तो लेफ्ट से हो सकता है, और या तो क्या हो सकता है मेरे भाई, राइट से हो सकता है, ठीक है। अब देखो एफ की वैल्यू कितनी हो गई, 6, 18, 21, 3, 20, 21 और 19, ठीक है। अब सबको ऐड करो, 18 और 6 कितने हो गए, 24, 24 और 21 कितना हो गया, 45, 3 48, 68, और 68 और 21 कितने हो जाएंगे, ठीक है, 68 और 21, तो भाई 69, और 69 और 20 कितने हो जाएंगे, 89, 89 और 9 कितना हो गया, 98, यानी कि पोजीशन को ऐड किया गया है। अगर इसी तरीके से इसके पोजीशन को ऐड करें, 13, 1, 19, 3, 21, ठीक है, प्लस 12, 9, 14, 5, 14, 5, 19, 9, 28, 28, 12 कितना हो गया, 40, 11, 61, 61, 3, 64, 64 और 9, 73, 10, 83, 84 और 13, 97, ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाइए। किसके साथ चले जाइएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाइएगा, ठीक है। चलिए क्या कहा गया भाई, 4, 6, 12, ठीक है, क्या कहा गया, 4, 6, 12, 14, 28 और 30 है, है ना। अब देखो ये क्या हो रहा भाई, प्लस 2 हो रहा है, ये इंटू 2 हो गया, फिर ये प्लस 2 इंटू 2, फिर ये प्लस 2 इंटू 2, और 30 इंटू 2 कितना हो गया, 60, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया मेरे भाई, सी, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया मेरे भाई, सी। देखो क्या कह रहा है कि आपको बी, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, आपको ये बताना है, ठीक है। जब भी देखो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, क्या कह रहा है, बी एंड, एंड का मतलब क्या होता है मेरे भाई, हस्बैंड, बी हस्बैंड है किसका भाई, सी का, हैच का मतलब क्या होता है, बहन है, सी बहन है, किसकी बहन है, डी की, ठीक है। एट द रेट का मतलब क्या हो गया, ई की क्या होगी, बेटी होगी। अब देखो सिंपल सी बात है भाई, बेटी है ये, अब बी का रिलेशन निकालना है किससे, ई से, तो जिसका रिलेशन निकालना है, जिससे निकालना है उससे उसके तरफ बढ़ो। बेटी की बहन, बेटी की बहन क्या होगी भाई, तो बेटी की बहन बेटी होगी, और बेटी का हस्बैंड जो होगा वो क्या होगा, दामाद होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए, सन इन लॉ, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए, सन इन लॉ, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, देखो जी ए बी ई को लिखा गया ए जी ई बी, है ना, के ई पी टी को लिखा गया ई के टी, भाई सेम चीज, दो दो पार्ट करके
ए जी, फिर क्या हो गया ई बी, यहां पर भी क्या हो गया ई के टी पी, सी ए डी आई, ऑप्शन नंबर डी, बात खत्म। ठीक है, चलिए डी डब्ल्यू एफ यू, देखो डी से एफ, फिर जी, फिर आई, फिर जे, पहले क्या हो रहा है प्लस टू, फिर प्लस वन, फिर प्लस टू, फिर प्लस वन, तो प्लस टू तो आएगा, ये तो फिक्स, यानी कि एल से स्टार्ट होगा। अब देखो डब्ल्यू से यू माइनस टू, फिर माइनस वन, फिर माइनस टू, फिर माइनस वन, फिर क्या होगा माइनस टू होगा, और माइनस टू होगा तो क्या आ जाएगा एलओ, ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाना है, ज्यादा बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भाई इसमें से कौन सा कथन क्या है सही है, तो भाई कुछ मत करो, बस जो है वो लिख दो। ए प्लस जी एंड आई प्लस आर एट द रेट एस एट द रेट टी हैज यू एंड बी। ठीक है, अब देखो एंड का मतलब क्या हो गया भाई, हैज का मतलब क्या हो गया वाइफ, ठीक है, एट द रेट का मतलब क्या हो गया भाई सिस्टर, यहां भी आ जाएगा सिस्टर, फिर प्लस का मतलब क्या हो गया फादर, एंड का मतलब क्या हो गया ब्रदर, फिर प्लस का मतलब क्या हो गया फादर। पहला कह रहा जी आई का क्या है भाई, भाई जी किसका भाई होना चाहिए, आई का भाई होना चाहिए, कह रहा कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो भाई जी आई का भाई है, ये तो सही है। फिर कह रहा ए जो है वो टी का नाना है, ए जो है वो किसका नाना है भाई, टी का नाना है, तो बहन की बहन क्या होगी बहन, बहन के पापा क्या होंगे पापा, तो ये दादा आएगा, नाना तो बिल्कुल भी नहीं आया क्योंकि एक भी निगेटिव नहीं है। फिर कह रहा आर इज द पैटर्नल ग्रैंड डॉटर ऑफ ए, आर जो है वो ए की क्या है भाई, पोती है। ठीक है, तो भाई आर का ऑब्वियसली जेंडर निगेटिव है, तो आर ए की पोती है, तो भाई ये भी क्या हो जाएगा सही, आपको सत्य नहीं है, यही तो बताना था, ऑप्शन नंबर किसके साथ चले जाइएगा, बी के साथ, बात खत्म। ठीक है, कह रहा क्रिकेट प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर और एथलेटिक्स, है ना। अब देखो आपको इसका वेन डायग्राम बनाना है, तो कुछ क्रिकेट प्लेयर ऐसे भी होंगे जो कि फुटबॉल प्लेयर होंगे, और एथलेटिक्स तो कोई भी हो सकता है। अब ये मत सोचना कि सारे क्रिकेट प्लेयर एथलेटिक्स होंगे, वो एथलेटिक्स नहीं होते, उन्हें स्पोर्ट्स पर्सन कहते हैं। ठीक है, एथलेटिक्स और स्पोर्ट्स पर्सन के बीच में डिफरेंस होगा। आपके मन मारा होगा सर क्रिकेट प्लेयर फुटबॉल प्लेयर कैसे, अब धोनी को ले लो भाई, धोनी क्रिकेट भी खेलता था और फुटबॉल भी खेलता था, तो दोनों प्लेयर हुआ कि नहीं हुआ, तो धोनी जो है सो क्रिकेट प्लेयर भी होगा और फुटबॉल प्लेयर भी होगा, तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाना आपको, सी के साथ, ज्यादा किसी को चीज सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चल कह रहा न्यूज इंफॉर्मेशन और हिस्ट्री। अब देखो न्यूज और इंफॉर्मेशन, जितना भी न्यूज होगा ना वो सारा का सारा आपको इंफॉर्मेशन तो देगा, ये तो फिक्स है, और हिस्ट्री जो होगा वो आपका कुछ भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चल कह रहा भाई गर्ल ब्राइड और फीमेल, है ना, ऑप्शन नंबर होगा इसका कौन सा होगा भाई, जितनी भी ब्राइड होंगी वो सारी की सारी गर्ल होंगी कि नहीं होंगी, और जितनी भी गर्ल होंगी वो सारी की सारी फीमेल होंगी कि नहीं होंगी, ऑप्शन नंबर कौन सा चले जाइए, ए के साथ चले जाइए। ठीक है, चलिए क्या कह रहा, देखो किसी पंक्ति में ए का क्रम क्या है भाई, बाएं से 42 है और बी का क्रम दाएं से 55। देखो भाई ए का क्रम बाएं से कितना दिया गया 42 और बी का क्रम दाएं से कितना दिया गया है 55। कह रहा सी जो है ना वो इन दोनों के ठीक मध्य में बैठा है, सी जो है वो इन दोनों के ठीक मध्य में क्या है बैठा हुआ है, यही चीज कहा जा रहा है ना। ठीक है, अब देखो अगर सी इन दोनों के ठीक मध्य में बैठा हुआ है, कह रहा है कि सी का क्रम बाएं से क्या होगा, यदि कुल संख्या कितनी हो जाए 200 हो जाए, है ना, तो सी इन दोनों के ठीक मध्य में और सी का क्रम बाएं से क्या होगा, यदि कुल संख्या कितने हो जाए 200 हो जाए। अब सबसे पहले तो यह निकाल रहा हूं कि इसके बीच में कुल कितने लोग हैं, तो टोटल नंबर माइनस पोजीशन ऑफ लेफ्ट प्लस पोजीशन ऑफ राइट आएगा, हाँ या ना। ठीक है, तो जब भी अगर इसके बीच का नंबर निकालना हो तो हम क्या करते हैं, टोटल नंबर में से उसके लेफ्ट के पोजीशन और राइट के पोजीशन को हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। अब 200 में से 97 घट गया, कितना आ जाएगा 103, हाँ या ना, 200 में से 97 घट गया, कितना आ गया भाई 103। अब देखो अगर किसी भी पंक्ति में ना चार लोग होंगे, तो याद रखना कि इवन नंबर का हम एग्जैक्ट बिट भी नहीं बता सकते, इवन नंबर का हम एग्जैक्ट बिट भी नहीं बता सकते, इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, ऑड में।
किसमें कन्वर्ट करना होगा? ऑड में। अब ऑड में कैसे कन्वर्ट करते हैं? ठीक है, तो भाई आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई इवन नंबर का नहीं, अगर ऑड नंबर होता, जैसे पांच में कर लिए, एक ऐड कर देंगे तो आपका ऑड में हो गया। अब कहा जा रहा है इसका एग्जैक्ट बिटवीन कौन सा होगा, तो एग्जैक्ट बिटवीन तो मिड पोजिशन ही होगा। कैसे निकालते हैं? ऑड नंबर प्लस वन बाई टू, पांच प्लस एक छह, और छह का आधा कितना हो गया मेरे भाई? तीन। सेम 103 का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? प्लस वन बाई टू, कितना आ जाएगा? बावन। कितना आ जाएगा? बावन। यानी कि हमें ये डिस्टेंस पता चल गया भाई, ये डिस्टेंस कितना है? बावन। और ये कितना था? बयालीस। बयालीस में बावन ऐड कर दो, आंसर सी के साथ चले जाओ, दैट इज 94 इज द आंसर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 94 हो जाएगा। ठीक है, चलिए। कह रहा किसी पंक्ति में ए का क्रम बाएं से 8 है और बी का क्रम दाएं से क्या है? 10 है। अब कहा गया कि सी जो है वो इसके एग्जैक्ट बिटवीन में बैठा हुआ है। ठीक है, सी क्या है? इसके एग्जैक्ट बिटवीन में बैठा हुआ है। ठीक है ना, अब जब कह दिया गया कि सी जो है सो इसके एग्जैक्ट बिटवीन में बैठा हुआ है, तो भाई सी कह रहा मिनिमम नंबर कितना होगा? इस क्वेश्चन को समझना, ध्यान से समझो। क्या कहा जा रहा भाई कि ए की पोजीशन लेफ्ट से कितनी दी गई है? 8, और बी की पोजीशन कितनी दी गई है? 10। भाई मिनिमम कितने हो सकते हैं? तो सर 10 से कम पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है भाई, अगर बी की पोजीशन 10 है तो 10 तो होंगे ही होंगे, 10 से कम तो बिल्कुल भी पॉसिबल आपका नहीं होगा। अब क्या कह रहा है कि उस पंक्ति में लोगों की न्यूनतम संख्या बताएं यदि सी जो है वो इन दोनों के ठीक मध्य में हो। हमने पहले मान लिया कि टोटल नंबर 10 है, 10 में से पोजीशन ऑफ लेफ्ट प्लस पोजीशन ऑफ राइट घटा दो, कितना आएगा? -8। ठीक है, ये याद रखना, माइनस जब भी आता है तो ओवरलैपिंग केस होता है, इसे हम -2 करते हैं। तो 8 में से 2 घटाओ कितना आ जाएगा? 6। 8 में से 2 घटाओ कितना आ जाएगा? 6। अब ये जो 6 आया है ये क्या आ गया? इवन नंबर हो गया। और अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि ये जो 6 इवन नंबर है ना, हम इसका एग्जैक्ट बिटवीन भी नहीं बता सकते, इसको किस में कन्वर्ट करना होगा? ऑड में। और इवन को हम ऑड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? या तो -1 करेंगे और या तो +1 करेंगे। तो सेम चीज हमको टोटल नंबर में करना होगा, या तो -1 और या तो +1। 10 माइनस कितना हो गया? 9, और 10 प्लस 1 कितना हो गया? 11। 9 तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता क्योंकि 10 से कम तो पॉसिबल होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर 11। और ऐसा यहां पे क्या हो जाएगा? डी, नन ऑफ दीज, ऊपर दिए गए में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए क्या कह रहा अभी देखो इसे। किसी पंक्ति में ए का क्रम बाएं से 12 और बी का क्रम दाएं से 19 है। भाई ए का क्रम बाएं से 12 है और बी का क्रम दाएं से 19 है, और कह रहा है सी जो है ना वो इसके ठीक मध्य में बैठा हुआ है। सी क्या बैठा हुआ है? इसके ठीक मध्य में बैठा हुआ है। सबसे पहले ये निकालना होगा कि इसके बीच में कुल कितने लोग हैं। टोटल नंबर माइनस पोजिशन ऑफ लेफ्ट प्लस पोजिशन ऑफ राइट। 20 माइनस 12 प्लस कितना हो गया? 19 हो गया। अब ये कितना आ जाएगा? -11। अभी मैंने बोला माइनस का मतलब ओवरलैपिंग केस, इससे -2 करेंगे और कितना आ जाएगा? 9। नंबर याद रखना, कभी भी याद रखना, निगेटिव नहीं हो सकता है नंबर, किसी भी केस में निगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए 11 माइनस 2 कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। अब इसका एग्जैक्ट बिटवीन निकालेंगे तो क्या होगा? +1/2, 5, 12 में से 5 घटा दिया कितना हो जाएगा? 7। वैसे ये थोड़ा सा आप इसके साथ बोथ के साथ चले जाइए क्योंकि दोनों आंसर कितना है? 7 ही है। ठीक है, याद रखिएगा जब भी ओवरलैपिंग केस आएगा हमेशा आपको क्या करना है? -2 करना है। ठीक है, पता कैसे चलेगा ओवरलैपिंग केस? अगर रिजल्टेंट निगेटिव आ गया तो याद रखिएगा ओवरलैपिंग केस होगा, और ओवरलैपिंग केस में आपको -2 करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा? -2। चलिए, कह रहा भाई किसी पंक्ति में ए का क्रम जो है ना वो दाएं से कितना दिया गया है? 25 दिया गया है, और ए और बी के बीच में कितने लोग है भाई? 6 लोग है। तब बी आया होगा। को सर बी को इस तरफ क्यों नहीं लिया? क्योंकि लिखा हुआ है बी दाएं छोर से ज्यादा नजदीक है, तो भाई बी की पोजीशन तो यही रहेगी। तो 25 में से 7 घटा दीजिए कितना आ जाएगा? 18। हाँ या ना? टोटल नंबर इक्वल टू क्या होता है? लेफ्ट प्लस राइट -1। इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो लेफ्ट से 90 माइनस कितना आ जाएगा? 17, और कितना हो गया? 73। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर। चलिए,
कह रहा है किसी पंक्ति में ए का क्रम बाएं से क्या है 25 है और बी का क्रम दाएं से क्या है 19 है। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि भाई ए का क्रम बाएं से कितना दिया गया 25 और बी का क्रम दाएं से कितना दिया गया 19, कह रहा इंटरचेंज तुम भी इंटरचेंज कर लो, ये बी हो गया और ये क्या हो गया ए। आफ्टर इंटरचेंजिंग जो भी वैल्यू दी गई उसको लिख लो 92 तो 92। कह रहा यहां पर पूछा क्या जा रहा है, बी के बारे में पूछा जा रहा है ना, तो कंपेयर करो ए से बी को। ये 12 होगा है ना, देखिए ये 12 है ना, पूछा किसका जा रहा भाई बी के बारे में, तो ए से बी छोटा है या बड़ा है, तो भाई ए से बी जो है ना वो छोटा है। कितना छोटा है, जितना छोटा रहेगा उतना ऐड कर देना, बात ही खत्म है, इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। फिर से समझ लो एक बार, ए की पोजीशन कितनी दी गई है 12 और बी की पोजीशन कितनी दी गई है 19, ठीक है। अब ए की पोजीशन 12 है, बी की पोजीशन 19, इंटरचेंज आप भी इंटरचेंज कर दो। आफ्टर इंटरचेंजिंग जो भी वैल्यू दी गई है, तो कौन सी वैल्यू दी गई है 92, 92 लिख लो। निकालना किसका है, बी का, तो ए से बी आपका क्या है छोटा है ना, जब छोटा होगा तो क्या कर देना आपको ऐड कर देना है, तो 92 + 7 कितने हो जाएंगे 99 हो जाएंगे, ठीक है। चलो सेम क्वेश्चन है भाई, ए की वैल्यू कितनी दी गई है 25 और बी की वैल्यू कितनी दी गई है 34, इंटरचेंज करोगे, ठीक है, इंटरचेंज करोगे तो ये क्या हो गया बी और ये क्या हो गया भाई ए हो गया है ना। और आफ्टर इंटरचेंजिंग कौन सी वैल्यू दी गई है 120, निकालना किसका है ए का, तो बी से ए छोटा है बड़ा है, तो भाई सर बड़ा है, कितना बड़ा है 9 घटा दीजिए, ऑप्शन नंबर बी, सेम कंसेप्ट है जो कि पिछले क्वेश्चन का कंसेप्ट था। देखो स्क्वायर आपसे पूछे जा चुके हैं, हमने रेक्टेंगल पे भी काम किया, देखो रेक्टेंगल की बात करें ना, तो जब भी अगर कोई भी स्टेप से क्वेश्चन आ जाए तो उसके फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 इसको ऐड करो कितना आ जाएगा 10, इसको ऐड करो कितना आ जाएगा 3 और दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 10 × 3 कितने हो जाएंगे 30, कितने हो जाएंगे 30, ठीक है। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि भाई स्क्वायर की संख्या बताएं, है ना। अब देखो इसमें कितने भाई कॉलम है, 1 2 3 4 5 1 2 3 है ना, तो भाई ये क्या हो जाएगा 3 × 5 प्लस, अब एक कम करते रहो मैंने यही बताया है 2 × 4 प्लस, फिर एक कम करते रहो 1 × 3 सबको जोड़ दो 15 8 3 को, सर इसको इस बात क्यों नहीं घटा भाई, इसके बाद तो 0 आ जाएगा, तो घटा क्या फायदा है, तो ऑप्शन नंबर ए बात खत्म है ना। चलिए कहा जा रहा है कि भाई इसमें आपको आयतों की कुल संख्या बतानी है, देखो 1 2 3 4 5 6 कितना हो गया 21, 1 और 2 3 1 और 2 3 21 3 24 और 3 कितने हो गए, ये बॉक्स नहीं है भाई है ना, ये खाली स्पेस है ना, मतलब ये लाइन नहीं है, तो 21 3 24 और 3 कितने हो गए भाई 27 तो हो गए। अब देखो तो इस दोनों के कॉम्बिनेशन से भाई एक ये भी रेक्टेंगल बनेगा, फिर एक नीचे वाला और एक ओवर हो जाएगा, कॉम्बिनेशन से यहां पे 3 बन गया, यहां भी कॉम्बिनेशन से कितने बन जाएंगे 3, एक ऊपर एक नीचे और एक पूरा ओवरऑल, जब यहां 3 बना तो यहां भी किससे बनेगा 3, 3 बनेगा तो भाई 27 + 6 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए कह रहा है इसमें केवल आयत की संख्या बतानी है, देखो अगर पहले आयत निकाल लेते 1 2 3 4 5 है ना, 15 2 3 4 5 ये भी कितना हो गया 15 × 15 225 तो आयत होंगे। अब इसमें आपको वर्ग भी निकालनी होगी, तो वर्ग कितना निकालेंगे 5 × 5 + 4 × 4 + 3 × 3 + 2 × 2 + 1 × 1 है ना, तो ये कितना हो गया 25 16 9 4 1 कितना हो गया 55 और 225 में से 55 घटा दो कितना आएगा 170, यही होंगे केवल आयत ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए कह रहा त्रिकोण की संख्या बताएं, इसमें कह रहा टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज, ऐसे क्वेश्चनों के लिए
सिंपल एक फॉर्मूला याद रखना है, 2n-5, वेयर n इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, नंबर ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, और स्मॉलर ट्रायंगल की संख्या इसमें कितनी दी गई है, 16। तो 2 × 16 - 5 और 32 - 5 कितने हो जाएंगे, 27, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इसमें एन की वैल्यू जब 9 से 20 तक रहता है तभी एप्लीकेबल होता है। इसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है, एन इंटू एन प्लस 2 × 2n+1 और बाई क्या होता है 8, वेयर एन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ बेस ट्रायंगल। अब देखो बेस में कितने ट्रायंगल है, 1, 2, 3, 4, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 4। 4 + 2 कितने हो गए, 6। 2 × 4 + 1 कितने हो गए, 9/8। 4 × 2 = 2, दोनों तरीके से कर लीजिए, आंसर सेम आने हैं, उस आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत? अब देखो ये थोड़ा सा सिटिंग अरेंजमेंट का भी क्वेश्चन है ना, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बस इसलिए डाल दिया गया है। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन इसलिए डाल दिया गया है, अगर अभी तक पूछा नहीं गया लेकिन एक उम्मीद लेकर चला जा रहा है कि भाई ये पूछा जा चुका है। ठीक है, अगर पूछ दे तो भाई क्या करना है, ये देखो क्या कह रहा है, ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठे हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन मेरे भाई 6 लोग हैं। कह रहा ए ई के दाएं तीसरे बैठा है, तो ई फेसिंग साउथ है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहां पर कौन आ जाएगा, ए, है ना, ए ई के क्या हो गया, दाएं तीसरे हो गया। ठीक है, अब ये भी कह रहा है कि भाई सी जो है वो किसी भी छोर से चौथे स्थान पर बैठा है, सी इज फोर्थ फ्रॉम द वन एंड, है ना, सी किसी भी छोर से क्या है आपका, चौथे स्थान पर बैठा है। ठीक है, फिर कह रहा है बी जो है ना वो ए और डी के बीच में है और वो एफ के दाएं तीसरे है। अब देखो अगर बी ए और डी के बीच में है तो ये कंडीशन तो फिक्स है, तो या तो ए बी डी होगा और या तो क्या होगा, डी बी ए होगा, है ना, या तो क्या होगा ए बी डी और या तो क्या होगा डी बी ए। ठीक है, या तो क्या होगा ए बी डी और या तो क्या होगा मेरे भाई, डी बी ए होगा। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, समझो तो भाई ये क्या हो गया, डी बी ए ले लिया हमने। ठीक है, और एक पॉसिबिलिटीज क्या थी आपकी, कि आप ए बी डी ले लेते, तो भाई यहां पर लिखा हुआ डी बी ए और एक पॉसिबिलिटीज क्या हो गई, ए बी डी। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि भाई सी किसी भी छोर से, जब ए यहां आ गया तो ऑब्वियसली यहां पर ई आएगा, क्योंकि ए ई के क्या है भाई, दाएं तीसरे है। ठीक है, और तो भाई इस कंडीशन में सी की पोजीशन पॉसिबल होगी नहीं, तो इस कंडीशन में सी यहां आएगा और यहां एफ आएगा, तो यही पूछ रहा है कि एफ के ठीक दाई ओर कौन है, किसके साथ जाना आपको, ए के साथ, है ना, किसके साथ जाना आपको, ए के साथ। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, 30 सेकंड में सॉल्व करके दिखाइए, हो गया। चलो देखो कह रहा भाई कितनी चेयर है भाई, जे के पी आर एस टी, आर जो है वो सिर्फ और सिर्फ किससे ऊपर है, आर जो है वो पी और एस से ऊपर है, और कहा जा रहा है कि जे और एस के बीच में 4 कुर्सियां हैं, तो भाई पी और एस के जे ऊपर ही जाएगा, 1, 2, 3, 4 फिर के आ जाएगा, जे आएगा, है ना। अब क्या कहा जा रहा है कि भाई पी से 3 स्थान ऊपर कौन है, के, तो भाई ये स्थान किसकी हो गई, के, बचा कौन, टी, है ना। कह रहा है कि अब इसको अगर हम अरेंज करें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो ये क्या हो गया जे, ये क्या हो गया के, यहां पर क्या आ जाएगा भाई पी, फिर क्या आएगा आर, एस और टी, यही तो पूछ रहा है, कितने स्थान सेम है, ऑप्शन नंबर बी 3 स्थान सेम है इसमें। ठीक है, क्लियर, चलिए एम के पी एन देखो, इस अल्फाबेट सीरीज में भाई ये एम से एल -1 हो रहा है, फिर यहां भी क्या होना चाहिए, -1, एल में से एक घटेगा क्या आएगा, के, के से एम +2 हो रहा है, तो एम से अगर भाई होगा तो +2 ही होगा, और +2 होगा तो भाई क्या हो जाएगा, ओ, एक ही ऑप्शन बचता है, के ओ एल टी, है ना। देखो यहां पर क्या हो रहा है, 115 से 130 +15, फिर क्या हुआ -8, फिर क्या हुआ +15,
और फिर क्या हो गया माइनस आठ, और ये क्या हो जाएगा प्लस पंद्रह, तो क्या आ जाएगा मेरे भाई 144, क्या आ जाएगा 144। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं ना। 37 पे क्या कहा गया भाई, एफ एच ए और क्या है बी, है ना। अब देखिए अगर आप एफ एच और ए और बी कर रहे हैं, ठीक है, तो भाई एफ की वैल्यू 6, 8, 1 और ये क्या हो गया 2 हो गया, ये क्या हो रहा है भाई मेरे प्लस 2 हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई मेरे माइनस 7 हो रहा है, और ये भी क्या हो रहा है प्लस 1 हो रहा है, तो प्लस 2 माइनस 7 और प्लस 1 हुआ। ठीक है, अब देखते हैं भाई पी आर के एल है, ठीक है, ये भी क्या हो गया प्लस 2 माइनस 7 और ये क्या हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, अब यहां पर डब्ल्यू वाई आर एस ले लीजिए, तो भाई ये भी क्या हो जाएगा प्लस 2 माइनस 7 और फिर क्या हो जाएगा प्लस 1 और ये क्या हो गया पी एस जे के। ठीक है, लेकिन यहां पर देखो प्लस 3 हो गया मेरे भाई, तो ऑड वन आउट में किसके साथ चले जाना आपको, डी के साथ चले जाना है, ज्यादा सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखो यहां पर क्या कह रहा है कि भाई गेम दिया गया 8426 है, मस्ट 78 क्या है भाई 53 है, तो m की वैल्यू पूछ रही है। अब यहां पर तुम ये जो सोचोगे कि अगर हम कॉमन पॉइंट ढूंढते हैं और कॉमन पॉइंट ढूंढने के बाद का कंसेप्ट करना होगा इसमें, ठीक है, तो भाई इस दोनों के बीच का कॉमन वर्ड कौन सा हो गया m और कॉमन कोड कौन सा हो गया 8, तो m के लिए कितना हो जाएगा भाई मेरे 8 हो जाएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत बिल्कुल भी इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहा जा रहा है कि प्रो 5 इज कोडेड एज OXQ15, OPO 10 इज कोडेड एज NQQ30, Mac 9 इज कोडेड बाय, यानी ये पूछ रहा है कि Mac 9 किसका कोड होगा, क्या पूछ रहा है भाई Mac 9 किसका कोड होगा। ठीक है, हमें ये नहीं बताना कि Mac 9 का कोड क्या होगा, आपको ये बताना है कि Mac 9 किसके द्वारा कोड किया गया होगा, ऐसा कौन सा अल्फाबेट होगा जिसमें आपका Mac 9 का जो कोड आएगा वो क्या आ जाएगा। ठीक है, आपका किस वर्ड जो होगा वो उसका क्या होगा कोड आएगा। ठीक है, अब देखो क्या कहा जा रहा है इसको समझना। ठीक है, अब देखो तो भाई लॉजिक क्या है इसका, ये देखो पी आर ओ 5 है और ओ एस क्यू 15 है, तो 5 से 15 कैसे आएगा इंटू 3, हा या ना, ये क्या हो गया भाई प्लस 2, फिर ये क्या हो गया भाई आर से एस क्या हो जाएगा प्लस 1 और ये क्या हो गया माइनस 1, पहला वाला लेटर क्या हुआ माइनस 1, दूसरा वाला क्या हुआ प्लस 1, फिर तीसरा वाला क्या हो गया प्लस 2 और नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया गया। यहां भी देखिए वही चीज हो रहा है, OPO 10 और NQQ 30 है, तो भाई ये तो फिक्स है कि ये इनटू 3 हुआ, ये प्लस 2 हो गया, ये प्लस 1 हो गया और ये माइनस 1 हो गया, तो Mac 9 जो होगा यहां पर नंबर 3 से मल्टीप्लाई होकर के आएगा तो 3 तो आना चाहिए, प्लस 2 होगा ये तो यहां पर क्या आना चाहिए ए, प्लस 1 होगा तो भाई क्या आ जाएगा जेड होगा, और यहां पर माइनस यानी एन जेड ए 3, ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाना है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसमें आपको ऑड वन आउट बताना है, देखो क्या दिया गया है जी एल पी एस 7, 12, 16, 19 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 एम आर वी वाई, एम आर वी वाई सेम चीज देखिए 13 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 है ना, लेकिन यहां पर देखोगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी, क्योंकि ये इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, अब चलिए 42 पे चलते हैं भाई, कह रहा है एक्स बी वाई ए, है ना, देखो एक्स और वाई अल्टरनेट देखो तीसरे पे प्लस 1 और ये क्या हो गया माइनस 1, के से एल प्लस 1 और ये क्या हो गया माइनस 1, क्यू से पी पे जाइए तो भाई क्या हो जाएगा ये माइनस 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाइए, सोचना ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको बताना इसमें ऑड वन आउट कौन सा होगा। ठीक है, जे एल जी के है, जे एल जी के 10, 12, 7, 11 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 4 ई एच बी जी। ठीक है, ये क्या हो रहा भाई प्लस 3, ठीक है प्लस 3 हो रहा है, सॉरी ये प्लस 2 होगा, प्लस 2 माइनस 5 प्लस 4 ये हो गया भाई प्लस 3 और एच से बी जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई माइनस 6 और ये क्या हो जाएगा प्लस 5,
पी आर एम क्यू ले लो, ये क्या हो जाएगा प्लस टू माइनस फाइव प्लस फोर, ऑब्वियसली सी बात है यही ऑड वन आउट हो जाएगा। ई एच पी जी ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाइए, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 है ना, यहां पर कुछ टाइपिंग एरर हो गया भाई, है ना, 16 की जगह कुछ और होना चाहिए था, इसलिए इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर चलता हूं 45 के ऊपर, है ना। क्वेश्चन नंबर जो 44 है, जब भी देखो इसमें ज्यादा आपका लेंथ अप घट नहीं रहा, ठीक है। अब जब नहीं हो रहा ज्यादा, तो इसका मतलब है कि भाई या तो ये एडिशन का सीरीज होगा और या तो किसका हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तो भाई क्या किया गया होगा, इसका आप अंतर निकालिए, ठीक है। तो पहले का अंतर कितना आएगा 9, फिर कितना आ जाएगा भाई 23, ठीक है, फिर कितना आ जाएगा आपका 41, फिर कितना आ जाएगा भाई 93, ठीक है। अगर यहां पे देखा जाए तो भाई ये किस किस सीरीज हो रही है 14, ये कितना हो जाएगा भाई 28, 42, फिर ये हो जाएगा 56, 149 आ जाएगा, देखते रहिए कैलकुलेट करते रहिए, फिर क्या हो जाएगा 70, 219, फिर कितना आ जाएगा भाई 84, और 219 में जब 84 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 303, तो 555 में अगर 303 ऐड करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखो, कह रहा है भाई 6 के अपोजिट कौन सा आएगा, दोनों में जब भी डाइस देखो ना तो कॉमन लेटर के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाओ, क्या हो जाएगा 6 3 5, यहां आ जाएगा 6 4 2, तो 5 का अपोजिट क्या हो गया 2, 3 का अपोजिट क्या हो गया 4, और 6 का अपोजिट जो बच गया ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाइए, है ना। चलिए कह रहा भाई एक्स बी आर डब्ल्यू टी ओ बी एस पी वी आर ओ, है ना भाई, एक्स से यहां पर है, ठीक है, ये यू है और ये भी यू है ना। तो पहला लेटर भाई देखो एक्स से डब्ल्यू ए घटा, ये भी ए घटा, ये भी ए घटा भाई, ये भी ए घटेगा, ये भी ए घटेगा, ये भी ए घटेगा, तो भाई जब यू से आपका ए घटेगा तो टी आएगा, और आर से हुआ तो टी को देखो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाना है, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। तो क्या कह रहा कि भाई आर की वैल्यू 87 है, नॉट की वैल्यू कितनी है भाई 4197, है ना, तो कोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ये आर जो है ना ए की वैल्यू कितनी होती है 1 18 5 और ये 87 दिया गया, ऐसा लग रहा है कि इसके मल्टीप्लीकेशन के आसपास होगा, 18 × 5 कितने हो गए 90 माइनस 3, यहां देखो 14 × 15 × कितना हो जाएगा 20, इसे कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 14 × 15 140, 70 210, और 210 और ये 20 में करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 4200 में से 3 घटा दिया गया। अब कोट करेंगे 3 × 15 × 1 × कितना हो जाएगा 20, है ना, यही होगा ना, तो 15 × 3 कितना हो गया 45, 45 × 20 कितना हो गया 900। अब यहां पर टोटल नंबर ऑफ लेटर 3 3 थे, तो यहां पर कितना हो जाएगा भाई 4 घटेगा, और जब 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा भाई 896, ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दीज के साथ चले जाइएगा, ठीक है, इसका लॉजिक यही है। ऑड वन आउट बताना, ऑब्वियसली 192 के साथ चले जाओ, क्योंकि बाकी सारे या तो ऑड नंबर होंगे या तो प्राइम नंबर होंगे, लेकिन ये जो होगा वो आपका क्या होगा इवन नंबर होगा। यहां आपको अपोजिट देखना है, अब देखो 12 10 8 दिया गया, 12 8, किसी भी अगर दो नॉन स्टैंडर्ड डाइस में अगर दो पार्ट कॉमन हो तो दोनों के बीच का जो अनकॉमन पार्ट होगा ना वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, तो 10 का अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे भाई 9 हो जाएगा, आप 9 के साथ चले जाइए, ठीक है। कह रहा काउ फीमेल और एनिमल, देखो जितनी भी काउ होंगी वो सारी की सारी फीमेल भी होंगी, और जितनी भी काउ होंगी वो सारी की सारी क्या होंगे एनिमल होंगी, तो ये डायग्राम इस टाइप से बनेगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए किसके साथ जाना है आपको, नन ऑफ दीज के साथ जाना है, किसके साथ जाना आपको नन ऑफ दीज के साथ जाना है, ठीक है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 7 + 3 कितने हो गए भाई 10, 10 + 3 कितने हो गए 13, 13 + 10 23, 23 + 13 कितना हो जाएगा 36, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए अब चलते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला था कि बस आपको ये 200 क्वेश्चन तैयार करके चले जाने हैं, इससे बाहर मैं कोशिश किया हूं पूरा कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आई, जिसके चलते आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक है, पूरी काम कर दी गई है इस पे। इसमें से कल हमने 48 क्वेश्चन को डिस्कस किया था और अब उसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
देखो क्या कह रहा भाई, 6, 7, 11, 20 अब नेक्स्ट स्थान पर क्या आएगा, तो ये क्या हो गया भाई +1 हो गया है, ये क्या हो गया +4 और ये क्या हो गया +9। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट किसका स्क्वायर आएगा 4 का स्क्वायर 20 प्लस 16, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए 36, बात खत्म। देखिए इसमें क्या हो रहा है, +1 × 2 + 3 × 4, 7 × 4 कितना हो जाएगा 28 + 5 है ना। अब को सर इसमें कुछ और सोचा जा सकता था कि नहीं, तो भाई ये क्या होता +1 फिर +2 फिर +3 फिर +4 करते तो बाद वाला लॉजिक सेटिस्फाई ही नहीं करता, इसलिए चले जाइए ई के साथ, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या कह रहा, देखो 11, 28 और 32 है ये, और 1, 37 और ये 39 है ना। अब सिंपल सी बात है कि भाई 32 में से तो 39 घटेगा नहीं, तो ये 1 मिनट उधार लेगा, और जब 1 मिनट उधार लेगा तो ये इसको 60 सेकंड देगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है इसे हम अगर देखा जाए तो 60 ले लेगा ये उधार, 60 और 32 कितने हो गए 92, और 92 में से आपको कितना घटाना भाई 39, 92 में से 39 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 53 आएगा, हाँ है ना। अब क्या हो गया ये 27, और 27 में से 37 घटेगा नहीं, तो फिर ये घंटा उधार लेगा तो ये 60 मिनट ये भी ले लेगा, तो 60 और 27 कितने होंगे 87 में से 37 घट जाएगा कितना आ जाएगा मेरे भाई 50 आ जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो गया था 10, 10 में से घटाइए, ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाइए 9 घंटा 50 मिनट 53 सेकंड, ठीक है क्लियर है। चलिए क्या कह रहा है, उपरोक्त श्रृंखला के अक्षरों को बाएं से दाएं के क्रम में उल्टा करने पर बाएं से दाएं क्रम में दाएं से नौवें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर क्या होगा, क्या कह रहा भाई दाएं से नौवें के बाएं पांचवा अक्षर क्या होगा, तो भाई 9 + 5 कितना हो गया, जब भी देखो दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाए अपोजिट हो जाए, तो हम इसको क्या करते हैं ऐड करते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, उपरोक्त श्रृंखला के अक्षरों को बाएं से दाएं के क्रम में उल्टा करने पर, यानी कि बाएं से दाएं क्रम में क्या करना है उल्टा करना आपको, ठीक है। तो अगर उल्टा करने पर कह रहा है कि भाई कौन सा अक्षर होगा, तो भाई राइट से कितना होना चाहिए 14, और 14 किसकी वैल्यू होगी एन की, बस उपयुक्त में से कोई नहीं, बात सोचना ही नहीं इतना ज्यादा। कह रहा एक स्थान के जो राजधानी पी से 2 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर है ना, राजधानी पी से उत्तर पश्चिम की ओर कितना है भाई 2 किलोमीटर, कौन है भाई स्थान के है, ठीक है और है, और एक स्थान आर जो के से 2 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की ओर है ना भाई, ये दक्षिण पश्चिम की ओर है भाई 2 किलोमीटर आर, ठीक है उत्तर पश्चिम हो गया और ये क्या हो गया भाई दक्षिण पश्चिम हो गया, ठीक है। स्थान एम जो आर से 2 किलोमीटर जो है वो उत्तर पश्चिम की ओर है भाई, यहां से फिर देखो पी से उत्तर पश्चिम हो गया, ये दक्षिण पश्चिम हो गया, फिर यहां पर आपका 2 है, ये भी 2 है और ये भी क्या आ गया एम आ गया, ठीक है। स्थान टी जो स्थान एम से भाई स्थान टी जो है वो 2 दक्षिण पश्चिम की ओर है, तो बताइए पी के सापेक्ष में टी की दिशा बताओ, पी के सापेक्ष में टी की क्या दिखाना है आपको दिशा बतानी है, तो ये जो दिशा होगी वो किधर होगी वेस्ट की तरफ होगी, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। कह रहा दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या आपको क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है दिए गए विकल्पों में से क्या करना है आपको लुप्त संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए 0268 कुछ छुटा हुआ मेरे भाई है ना, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या है ना। चलिए कह रहा कि निम्न आकृति में कितने त्रिकोण है कितने त्रिभुज आपको यह बताना है, देखो एक तो ट्रायंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 तो ऐसे हो गए, हाँ है ना ठीक है 7 हो गए, और एक ट्रायंगल आपका क्या हो जाएगा ये 8 ट्रायंगल हो गए। अब देखो मेरे भाई कोई और ट्रायंगल बन रहा है क्या, नहीं, इसलिए किसके साथ जाना आपको उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। कह रहा समीपवर्ती अक्षर के बीच लुप्त संख्या क्रम में घट रही है ना। अब इसे देखो ए जी एम
आर भी है, तो भाई ये जो हो गया भाई कितना हो गया प्लस छ, ये भी क्या हो गया प्लस छ, ये प्लस पांच और प्लस चार है ना। अब देखो ये क्या हो गया प्लस छ, भाई घटना था लेकिन ये घट नहीं रहा, तो ए जी एम आर बी के साथ चले जाइए, बाकी सब वही है। 14, 5, 19 कह रहा प्रथम अक्षता समीपवर्ती अक्षर के बीच में लुप्त संख्या मगर घट रही है ना, कौन से अक्षर पालन करते है? तो ऑब्वियसली यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी के साथ चले जाना है, पालन कर रही है ये बताना है। ठीक है, कहा गया भाई तारा मछली ब्लू व्हेल शार्क पेंगुइन विशालकाय कछुआ आपको इसमें अर्थक्रम अर्थपूर्ण में मतलब कि आपको इसको लॉजिकल वे में क्या करना है अरेंज करना है। ठीक है, अब देखो अगर लॉजिकल वे में होता तो सबसे पहले ये तो सबको पता होगा कि शार्क और ब्लू व्हेल जो होगा, ठीक है, शार्क और ब्लू व्हेल क्या होता है सबसे ज्यादा आपका बड़ा होता है ना, तो ब्लू व्हेल सबसे लास्ट में आएगा और उसके बाद क्या आएगा शार्क आएगा, तो यानी कि लास्ट की दोनों पोजिशन आपकी तीन और क्या होगी दो होगी, उसके बाद फिर क्या आती है स्टार फिश आती है, इसे तारा मछली कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई मेरे, सी एक, उसके बाद पेंगुइन, पेंगुइन के बाद क्या आएगा विशालकाय कछुआ और उसके बाद फिर क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, लेमूर क्या है भाई बंदर है, तो लेमूर बंदर है तो फिर रुक क्या है कौवा है। ठीक है, कह रहा आपको इसमें कौन सा कथन क्या करना है सत्य करना है। ठीक है, कौन सा कथन क्या है सत्य यही बताना है ना। देखिए जब भी कोई भी चाहिए तो पूरा कैलकुलेशन पर आधारित है मेरे भाई, है ना, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत आपको नहीं है, बस जो जो कैलकुलेशन दिया गया जिसकी जो जो वैल्यू है उसको पुट कर दो, आपका काम क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा है ना। चलिए देखो कह रहा भाई पी का अर्थ क्या है भाई, पी का मतलब क्या हो गया प्लस, क्यू का अर्थ क्या है माइनस, और आर का अर्थ क्या है भाई मल्टीप्लाई, और एस का मतलब क्या है डिवाइड है ना, तो आर का मतलब क्या है मल्टीप्लाई है ना, और एस का मतलब क्या है डिवाइड, तो भाई चार डिवाइडेड कितना हो गया आठ, ये क्या हो गया मल्टीप्लाई, क्यू का मतलब क्या हो गया माइनस, और पी का मतलब क्या हो गया प्लस है ना, तो हाफ इंटू 36 18, 18 चार 22 मैंने सात, तो भाई ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, 16 इंटू 12 है, ये क्या हो गया भाई मल्टीप्लाई, पी का मतलब प्लस हो गया, यहां क्या हो गया डिवाइड हो गया, और क्यू का मतलब माइनस हो गया, ये क्या हो गया सात है ना, और 16 और 12 कितने हो जाएंगे भाई 160 और 32 कितने हो गए भाई 192, 192 प्लस कितना हो गया भाई आपका सात, ठीक है 192 7 ये भी नहीं होगा, 32 एस का मतलब क्या है भाई मल्टीप्लाई चार, ठीक है, और आर का मतलब क्या है मल्टीप्लाई चार इंटू 9 कितने हो गए 36 हो गए, 160 क्यू, क्यू का मतलब क्या है माइनस, और यहाँ पे ये भी नहीं होगा, तो ऑब्वियसली आप किसके साथ चले जाइए ऑप्शन नंबर ई के साथ चले जाइए, ज्यादा सोचने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, है ना। कह रहा कि भाई नरेश की आयु अपने भाई की आयु के दोगुने से चार वर्ष कम है ना, अपने नरेश की आयु जो है वो अपने भाई की आयु के दोगुने से चार वर्ष क्या है कम है, तो उसकी उम्र किस समीकरण को दर्शाएगा, तो वो क्या होना चाहिए था 2x - 4 होना चाहिए था, लेकिन यहां पर 2x + 4 दिया गया है ना। नरेश की आयु अपने भाई की आयु, मान लीजिए उसके भाई की आयु कितनी हो जाएगी x, तो नरेश की आयु जो होगी वो क्या होनी चाहिए थी अपने भाई के आयु के दुगने से चार वर्ष क्या है भाई कम है मान लीजिए है ना। चलिए समझ में आ गई बात, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि मोड ऑफ x का मान क्या है होगा, यदि x इक्वल टू माइनस ऑफ मोड ऑफ होगा और x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है तो भाई क्या कह रहा है कि भाई अगर x का मान आपसे पूछा जा रहा है तो ये जो 2 है ना वो अकेले पर्याप्त है इसका आंसर देने के लिए, यहां से आप x का मान पता नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ 2 से क्या हो जाएगा आपको पता लग जाएगा, तो सब 2 से हो जाएगा तो बाकी चीजों पर ध्यान ही नहीं देना है। ठीक है क्या कहा गया देखो, लेमन को कोड किया गया एन सी ओ एम पी, एल से एन प्लस टू माइनस टू प्लस टू माइनस टू प्लस टू, तो मैंगो में भी क्या होगा भाई प्लस टू होगा तो भाई क्या आ जाएगा ओ, फिर माइनस टू होगा तो ए में से जब माइनस टू करेंगे तो भाई कितना आ जाएगा मेरे, ठीक है वाई आएगा, ओ के बाद वाई आना चाहिए था, ऑप्शन में नहीं है इसलिए ई के साथ चले जाइए, बात ही खत्म है। कह रहा एसएमएस स्पीड पोस्ट पथ, एसएमएस एक ऑनलाइन सेवा है
बाकी सारे चीज क्या है आपके ऑफलाइन है, इसलिए ऑनलाइन भी क्या हो जाएगा आपका एसएमएस होगा। ठीक है, चलिए कहा जा रहा 4, 3, 11, 17, 53, 101 है ना, 4, 3, 11, 17 और क्या दिया गया भाई 53, 101। देखो शुरुआत में धीरे धीरे बढ़ा था, बाद में अचानक से बढ़ गया है ना, तो भाई देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, 4, 3, 11, 17, 53 और ये क्या हो जाएगा 101 है ना, ये 53 से 101 इंटू 2 माइनस 5 और ये क्या हो जाएगा इंटू 3 प्लस 2, फिर देखो ये क्या हो जाएगा इंटू 2 माइनस 5 और ये क्या हो जाएगा इंटू 3 प्लस 2, सेम इंटू 2 माइनस क्या हो जाएगा 5, तो ये क्या हो जाएगा इंटू 3 प्लस 2 आएगा मेरे भाई, तो 305 आना चाहिए था क्योंकि 101 इंटू 3, 303 प्लस 2 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं के साथ चले जाइए, नन ऑफ दीज। 4, 5, 9, 18, 34 इसका अंतर निकालिए, देखते के साथ ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए जब इसका अंतर निकालिएगा तो कितना आ जाएगा भाई 1, 4, 9, 16 है ना, ये आएगा ना भाई इसका अंतर 1, 4, 9, 16 तो भाई 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3, 4 तो 25 और 34 और 25 कितने होने चाहिए थे 59, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए कह रहा कि 12 अगस्त 2011 को शुक्रवार था तो 21 दिसंबर 2011 कौन से दिन होंगे भाई, अगस्त में 31 दिन होते 12 दिया गया, बचा कितना मेरे भाई 19 बचा। अब अगस्त कंप्लीट हो गया, अगस्त के बाद क्या आएगा सितंबर, और सितंबर में हमारे पास कितने एक्स्ट्रा डे होंगे 2, फिर अक्टूबर में कितने होंगे 3, नवंबर में 2 और जाना कहां तक है 21, सबको ऐड कर दो कितना आएगा 47, किससे डिवाइड करेंगे 7 से, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2, बाद का पूछा इसलिए 2 दिन ऐड करेंगे और शुक्रवार में जब 2 दिन ऐड करेंगे तो भाई मेरे कौन सा आ जाएगा आपका, ठीक है 19 सितंबर, ठीक है तो भाई 2 दिन अगर ऐड करेंगे तो भाई क्या आ जाएगा मेरे रविवार है ना, बिल्कुल क्या आना चाहिए रविवार आना चाहिए। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं के साथ चले जाइएगा। 12, 19 दिन बच गए सितंबर, ठीक है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में 21 दिसंबर जाना, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 37, 10 ठीक है मेरे भाई। चलिए कह रहा LMNOP 5 मित्र जो एक गोलाकार आकृति में बैठे हैं, ठीक है एक क्या बैठे हैं भाई गोलाकार आकृति में बैठे हुए हैं, देखो क्या कह रहा है, एन अचानक पी के बाईं ओर है, एन जो है पांच ही लोग हैं, एन अचानक पी के बाईं ओर है, पी के बाईं ओर क्या हो गया एन हो गया, L जो है ना वो O और P के बीच में बैठा है, L जो है वो O और P के बीच में बैठा है तो L O और P के बीच में बैठ गया। ठीक है, M और L के बीच में कौन बैठा है तो भाई M और L के बीच में कौन बैठेगा O, बात खत्म। ठीक है क्या कह रहा है, बिंदु O से पश्चिम की ओर मुंह करके एक व्यक्ति 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है फिर वहां से दाई ओर 4 किलोमीटर चलकर वो बिंदु बी पर पहुंचता है। ठीक है देखो बिंदु ओ से भाई ये ओ है, NESW लिख लो, यहां पर ओ है और पश्चिम की ओर कितना किलोमीटर चलता है 4, फिर वो बिंदु ए पर पहुंचता है, फिर वहां से आपका क्या करता है दाई ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर वो दाई ओर मुड़े कितना चलता है भाई 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है फिर वो कहां पहुंच जाता है बिंदु बी पे पहुंच जाता है। ठीक है ओ से भाई वेस्ट की तरफ चला और यहां पे कहां पहुंच गया भाई ए पे। ठीक है फिर वहां से दाई ओर 4 किलोमीटर चलकर वो बिंदु बी पर पहुंचा, फिर वहां से दाई ओर मुड़के कहां पता है 4 पहुंचता है। ठीक है पहुंच गया बिंदु बी पर, फिर दाई ओर करके 4 में बिंदु सी पर पहुंच जाता है, फिर दाई ओर मुड़के क्या चलता है भाई वो 3 किलोमीटर चलता है और बिंदु डी पर पहुंचता है। ठीक है बिंदु डी पर पहुंच भी गया। ठीक है फिर वो बाईं ओर मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है, फिर वो बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, बिंदु कहां पहुंच जाता है भाई ई पर पहुंच जाता है। ठीक है पहुंच गया और फिर दाईं ओर 5 किलोमीटर चलता है भाई और कहां पहुंच जाता है भाई एफ पे पहुंच जाता है। तो बिंदु सी और बिंदु एफ के बीच का आपको डिस्टेंस बताना है, किसका बताना है बिंदु सी और बिंदु एफ के बीच का आपको डिस्टेंस बताना है। ठीक है तो भाई सी के बाद कहां पहुंचा होगा डी, तो ये कितना चला होगा 8 और ये कितना चला होगा 4, हाँ या ना, तो भाई 4 ईस्ट और ये क्या हो गया 7, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 64 प्लस 16 कितने हो गए 80,
इसे हम 4√5 भी लिख सकते हैं कि नहीं, बस ऑप्शन बी, बात खत्म। चलिए 36 + 28 कितने हो गया मेरे भाई, 64, और 64 का आधा कितना हो गया 32। सेम चीज 52 + 45 बानवे, बानवे का आधा 46, 86 और 12 कितने हो जाएंगे 98, और 98 का आधा 49, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है चलिए, कह रहा दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है भाई, एक और दो कितने हो गए 3, और एक और दो कितने हो गए 3, 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6, ऑप्शन नंबर सी, बात खत्म। ये छोटे छोटे सवाल है, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि भाई टोटल 6 है, यदि निम्नलिखित शब्दों में उनको अंग्रेजी शब्दकोश आने के क्रम अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो कौन सा शब्द अनुक्रम में पांचवें स्थान पर आएगा, ठीक है। क्या कहा जा रहा है भाई, पांचवें स्थान पर आएगा, ठीक है भाई। W के बाद क्या है भाई, E है सब में, ठीक है। तो भाई ये तो सिक्स पोजिशन, ये तो फिक्स है कि भाई ये सिक्स सबसे लास्ट आएगा, इससे पहले कौन आएगा भाई, तो भाई WEA है, WEI है, WEA है, WEI है, ठीक है। आई के बाद इसमें क्या है भाई, आर है, और यहाँ डब्ल्यू डबल ई है, तो ये तो ऐसे भी चला गया है ना, या तो डब्ल्यू ई आई होगा, ये ही होगा, इस दोनों में से कोई एक ही होगा, और ऑप्शन नंबर 3 के साथ चले जाना आपको, यानी कि सी के साथ चले जाना है। पांचवें स्थान पर कौन आएगा, बीएड आएगा, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है यदि शब्द ब्राइट के सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर जो होंगे वो अपरिवर्तित रहेंगे। कहने का मतलब भाई स्टार्ट कौन से होगा भाई, बी, बी के बाद क्या आएगा आपका, ठीक है, जी एच आई आर टी, दो परिवर्तित नहीं होंगे आपके, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए माउस को लिखा गया के पीस एस टी सी है ना, माउस के पी एस टी सी, एम से के माइनस टू, ओ से पी प्लस वन, माइनस टू प्लस वन माइनस टू है ना, तो फिर माइनस टू होगा ना, एल में से अगर माइनस टू करेंगे तो क्या आ जाएगा जे, फिर ए में प्लस, आई में प्लस वन होगा तो फिर जे, फिर माइनस वन होगा तो क्या आ जाएगा ई, फिर प्लस वन होगा तो आई, फिर माइनस टू, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए, जे जे ई आई, ठीक है ना। देखिए आपको ये चीज दे दिया गया है, अब इस साइन को आपको उपयोग करना है, ठीक है, तो आप सबको रख करके चेक कर लीजिए, ठीक है। क्या भाई आर का मतलब क्या हो गया प्लस, ठीक है, यू का मतलब क्या हो गया डिवाइड, तो 20 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो गया 5, 5 प्लस 4 है ना, 5 प्लस क्या हो गया 4, 4 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 5 प्लस 4, 4 5 प्लस 8 13 हो गया, और टी का मतलब क्या मल्टीप्लाई, ये तो कोई मतलब ही नहीं बना इसका, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से कीजिए, 20 एस 4 यू, 4 बी 2 2 3, ठीक है, 20 टू 4 यू, जहां देखिए बी इज इक्वल टू कहां पर है, ठीक है, तो इक्वल टू देख करके लग रहा है कि भाई क्या होना चाहिए, लग नहीं रहा कोई भी होगा, इसलिए ई के साथ चले जाइए, बात खत्म। चलिए कह रहा एक दुकान में 54 कप बोर्ड थे और प्रत्येक कप बोर्ड में 28 रैंक बने थे है ना, तो भाई 54 कप बोर्ड थे तो 54 इंटू कितना हो जाएगा 28 होगा, 1620 में से अगर 108 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 1512, और प्रत्येक रैंक में 10 बॉक्स रखे गए थे तो भाई कितना हो गया इंटू 10, तो 15120, और प्रत्येक बॉक्स में कितनी सट रखी गई थी, 4 सट रखी गई थी, तो 15400 में कितना आ जाएगा भाई 480, ठीक है, और ये 60480 आ गया, ठीक है। फिर कह रहा कि इसमें 500 बॉक्स बेचे गए और 250 बॉक्स खरीदे गए, तो भाई 500 बॉक्स बेचे गए और 250 बॉक्स खरीदे गए मतलब टोटल मिला के हमारे पास 250 बॉक्स तो रही गया होगा, और हमारे पास लॉस कितना हुआ, हमने 250 बॉक्स एक्स्ट्रा बेचा, क्योंकि भाई 500 खरीदे और 250 बॉक्स हमारे क्या हो गया भाई, 250 खरीद लिया और 500 बेच दिए, तो हमारे पास 250 बॉक्स का क्या हो गया, नुकसान हुआ, और एक बॉक्स में कितने थे भाई 4, यानी 1000 का टोटल हमें नुकसान हुआ होगा, तो भाई 60000 में से 480 घटाइएगा तो 1000 कितना हो जाएगा 59480, ठीक है। चलिए कह रहा एम ए
एन और के एक पंक्ति में क्या है, खड़े हैं, ठीक है। हमें सबसे छोटे से सबसे लंबे व्यवस्थित करते हैं तो कौन सबसे अंत में खड़ा है कैसे पता चलेगा, देखो ए जो है वो के से क्या है, छोटा है, और एम जो है वो ए से क्या है, छोटा है। एम जो है वो किससे छोटा है भाई, ए से छोटा है, ठीक है। ए के से छोटा है और एम जो है वो ए से छोटा है, ठीक है। आपको बताना भाई कि सबसे छोटा सबसे अंत में खड़ा कौन है भाई, कहां बता सकते जब तक एन का रिलेशन पता ना होगा, तो इनमें से कोई नहीं, दोनों अपर्याप्त है, मतलब इन दोनों से नहीं बता सकते, दोनों पर्याप्त नहीं है, ए के साथ चले जाइए, है ना, क्योंकि दोनों क्या है भाई, अपर्याप्त है। देखो कहा गया भाई फ्लेक्सिबल है, बयालीस तीस है ना, ठीक है, क्या कहा गया भाई, बयालीस तीस चौवालीस और छ अठारह चार चौबीस दस है ना। इसमें देखो किया क्या गया, सबसे पहले ये समझते हैं ना, अगर फ्लेक्सिबल की बात करते हैं, ठीक है, तो भाई एफ की वैल्यू बयालीस लिखी गई है, जबकि एफ की वैल्यू राइट से इक्कीस का दुगुना किया गया होगा, ये भी 15 का दुगना किया गया होगा, ये 22 का दुगना किया गया होगा, और x की वैल्यू राइट से कितनी होती है, 3 का दुगना, यानी फर्स्ट हाफ को हमने राइट से लिया और फर्स्ट हाफ, उसके बाद जो सेकेंड हाफ बचा उसको हमने क्या ले लिया भाई, लेफ्ट से ले लिया। तो भाई c की वैल्यू राइट से 24, 24 का दुगना कितना हो गया 48, 22 का दुगना कितना होना चाहिए था 44, लेकिन नहीं है, ऑब्वियसली ई के साथ चले जाइए, बात खत्म। जब किसी ऑप्शन में नहीं है तब तो भाई शुरुआत के दो ऑप्शन में ही नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि आपको इसमें से क्या करना है भाई, युग्म को जो आपको ऑड वन आउट है वही चुनना भाई, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, लेकिन राजस्थान की राजधानी जैसलमेर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाना, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है, देखो ये तो अंतर से समझ में आ जाएगा, प्लस तीन प्लस पांच प्लस सात और ये प्लस 11 हो गया, तो नेक्स्ट कितना होगा भाई 13, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 45 63 101 160 और 241 सेम अंतर निकालिए, 45 63 101 160 241 अंतर 81, ये किसका आएगा 59, ये कितना आ जाएगा 36 और ये कितना आ जाएगा भाई 18 है ना, सॉरी ये 38 आएगा है ना, 20 21 22 नेक्स्ट कितने का अंतर आएगा 23 का, और जब 23 का अंतर होगा 81 और 23 कितने हो जाएंगे मेरे भाई 104 और 241 में जब 104 जोड़ेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, बात खत्म है, है ना। कह रहा है एजाज का जन्म 5 जनवरी 2015 को हुआ था, जबकि फैज का जन्म उसके 553 दिन के बाद हुआ, तो फैज का जन्म किस तारीख को हुआ, ठीक है। क्या कह रहा भाई, 5 जनवरी 2015 को हुआ था और उसके 553 दिन के बाद हुआ, तो भाई 365 दिन तो आपके ऐसे ही हो गए, 5 जनवरी 2016 है ना, 5 जनवरी कितना हो गया 2016। अब अगर इसमें से हम 365 घटा दे है ना, तो 365 घटा दे तो भाई कितना दिन बचेगा इसमें से, 265 होता तो भाई मतलब 200 में से 12 यानी 188 दिन बच गए 5 जनवरी के बाद। अब जनवरी में कितने दिन बच गए भाई 26, फरवरी में कितने दिन हो गए भाई 29 है ना, प्लस 31 और प्लस कितना हो जाएगा 30 और फिर प्लस कितना हो जाएगा 31। अब इसको कैलकुलेट करो, क्योंकि सारे ऑप्शन तो ऑब्वियसली सी बात है जुलाई में दिए गए होंगे, ठीक है, तो भाई जून तक तो जाना ही जाना है, चेक कर लेते हैं। तो भाई 5 जनवरी तक 365 हो गए, 26 और 29 कितने हो गए 55, 55 और 1 56 30 86 116 हो गया, और 116 और 117 और 30 147 और 147 और 30 कितना हो गया 177। अब हमें 888 दिन जाना था, यानी कि 11 जुलाई 2016 ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाइए, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है।
कह रहा अमृत विक्रांत से क्या है भाई बड़ा है, अमृत जो है वो विक्रांत से क्या है भाई बड़ा है, सनात जो है वो जोया से बड़ी है, ठीक है, केतन जोया से छोटा है, केतन जोया से छोटा है, और विक्रांत जो है वो सनात से क्या है भाई बड़ा है ना, विक्रांत जो है वो सनात से क्या है बड़ा है, समूह में सबसे छोटा कौन सा, ऑब्वियसली सी बात है केतन, बात खत्म, है ना। कह रहा है कि भाई संध्या और अमानी पूर्व दिशा की ओर देख रही थी, है ना, और संध्या 45 डिग्री बामावर्त और फिर 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है, तो संध्या के विपरीत सम्मुख होने के लिए अमानी को कितना घूमना पड़ेगा भाई। देखो 45 डिग्री क्या कर रही है भाई, बामावर्त यानी कि लेफ्ट, और 135 डिग्री वो राइट घूम रही है, यानी टोटल उसने 90 डिग्री राइट टर्न लिया है, तो सम्मुख होने के लिए अमानी को भी कितना घूमना पड़ेगा, तो भाई उसके सम्मुख होने के लिए उसको भी 90 डिग्री घूमना पड़ेगा, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। सम्मुख का मतलब हुआ आमने सामने होने के लिए, ठीक है। देखिए 7, 6, 13, 13, 3 कितना हो गया 16, 48 दिया गया, 16 × 3 48, 9 × 4 कितना हो गया 13, और 13 × 8 कितना हो गया 21 × 3, 5, 2, 7, 7, 7, 14 और 14 × 3 कितने होंगे 42, ऑप्शन में है नहीं, चले जाइए उपयुक्त में से कोई नहीं के साथ, ठीक है। कह रहा दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या बताएं। देखो ये जो फिगर है ना वो किस फिगर से बना है, देखो इसका बेसिक फिगर ये, एक और दो कितना हो गया 3, एक और दो कितने हो गए 3, और ऊपर पूरा टोटल ओवरऑल मिला करके इसमें हो गया 7। इसका दूसरा बेसिक फिगर क्या है भाई मेरे, यही है, यही है ना, इसमें कितना आएगा 1 और 2 3, 1 और 2 3, 1 और 2 कितना हो गया 3, 3 × 3 6 और 3 कितने हो गए 9, प्लस 2 कितना हो जाएगा 11, है ना। अब देखो इसमें कितना हो गया 11, अभी इसमें आपने काउंट किया 7 7, 11 7 18 7 कितने हो गए भाई 25। अब इस दोनों के कॉम्बिनेशन देखो तो 4 ट्रायंगल बनेंगे, एक ये ऊपर, यहां भी 25 4 29 होने चाहिए था, ऑप्शन में है नहीं, इसलिए चले जाइए नन ऑफ दीज के साथ, ठीक है। चलिए अब देखो इसमें टोटल नंबर काउंट करो भाई, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 2 20, तो 5 5 का सीरीज बना लीजिए, बात ही खत्म हो जाएगी, है ना। हो गया, क्या होगा भाई, ए बी, ए ट्रिपल बी सी, ए ट्रिपल बी सी, ए ट्रिपल बी सी, ए ट्रिपल बी सी, यानी बी बी ए बी बी, बी बी ए बी बी, बस चले जाओ बी के साथ, इतनी बी रहे तो बी के साथ चले जाए, है ना। क्या कह रहा है भाई, मूल, ब्रह्मांड, आकाश गंगा, वातावरण, सतह, ठीक है। तो भाई इसमें सबसे छोटा तो क्या होता है, मूल ही होता है, है ना, सबसे छोटा जो होगा वो क्या होगा आपका, मूल होगा, ठीक है, है ना। जैसे कहा जाता है ना, देखते हुए कभी कभी कि भाई इसका मूल क्या है, ये जब भी इस टाइप में कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो सबसे छोटा क्या होगा भाई, मूल होगा, ठीक है। मूल के बाद क्या आता है, सतह, सतह के बाद क्या आएगा, वातावरण, और वातावरण के बाद क्या आएगा आपका, आकाश गंगा, और फिर ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के बाद आकाश गंगा नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाना है। देखो ये सारे के सारे अपोजिट पेयर हैं, बी का अपोजिट वाई, ई का अपोजिट वी, सिम डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, जी टी क्यू डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर सी, सीधे बात खत्म, है ना। कह रहा भाई मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड है, आपको इसका मान शून्य बताता है, ठीक है, कमान दिए गए व्यंजक, ठीक है, कमान शून्य बताता है, तो भाई शून्य बताता है, तो भाई कहा क्या कहा जा रहा है, अगर मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो जाए भाई, डिवाइड हो जाए, है ना। तो भाई चेक कर लो, मल्टीप्लाई का मतलब अगर डिवाइड हो गया, तो भाई अगर यहाँ पे डिवाइड हो गया तो 0.5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, है ना। तो 0.5 डिवाइडेड बाई 35 कितना आ गया, 5/3 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 70 आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइड का मतलब क्या बताता है भाई, मल्टीप्लाई ही बताना चाहिए, तो 10 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा भाई, 70, है ना। तो 10 डिवाइडेड बाई 70 कितना हो गया, 1/7 होगा, तो ये तो आपका सुन बताएगा ही नहीं, ठीक है, तो ये वाला तो काम करेगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए आप इसको चेक कीजिएगा सी को,
तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या बता दे भाई, प्लस बता दे भाई। मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया भाई, यहाँ प्लस कर दो, और प्लस का मतलब क्या हो गया भाई, माइनस कर दो, और डिवाइड का मतलब क्या हो गया भाई, मल्टीप्लाई कर दो, और माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 700 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो जाएगा भाई, 70 आएगा, ठीक है। 70 मल्टीप्लाई इंटू 0.5, हाँ यही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बात खत्म। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी हो जाएगा, है ना। इस दोनों में से तो कोई पॉसिबल ही नहीं था। कह रहा है 6 संख्याओं का औसत कितना है भाई, 40 है। यदि पहले 3 संख्याओं में प्रत्येक को 4 से बढ़ा दिया जाए और शेष 3 संख्याओं में से 6 कम कर दिया जाता है तो नया औसत क्या करना है आपको, ज्ञात करना है, ठीक है भाई। 6 संख्याओं का औसत 40 है, मतलब टोटल सम भाई, हम भाई रीजनिंग वाले हैं, मैथ हमारी इतनी अच्छी नहीं होगी, है ना। 40 है और पहले 3 संख्याओं को प्रत्येक में से 4 से क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया जाता है, यानी कि 3 × 4 क्या कर दिया गया भाई, बढ़ा दिया गया। कितना बढ़ा दिया गया भाई, 12, ठीक है। और शेष 3 संख्याओं को 6 कम कर दिया था, मतलब घटा कितना दिया गया, 18, मतलब नुकसान कितना हो गया भाई, -6 का नुकसान हो गया, है ना। तो नया औसत ज्ञात करें भाई, तो -6 का नुकसान हो गया तो 234, ठीक हो गया, और 6 से डिवाइड कर दीजिए। तो भाई 6 × 3 कितना हो गया, 18, और 6 × 54 = 39 आंसर हो जाएगा, है ना। कह रहा अब से 20 साल बाद भाइयों की कुल आयु क्या होगी, नकुल अब 12 वर्ष का है और विमल की आयु नकुल की आयु का 1/4 भाग से तिगुना है। भाई जब तक ये पता नहीं, अब से 20 साल बाद भाइयों की कुल आयु क्या होगी, है ना। तो भाई क्या कहा जा रहा है कि भाई भाइयों की कुल आयु क्या होगी, यही तो कहा जा रहा है ना, ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो कितने भाई हैं यही पता नहीं है, भाइयों 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं चले जाइए, क्योंकि नकुल अब क्या है भाई 12 वर्ष का है, अभिमल की आयु जो है सो नकुल की आयु की 1/4 भाग से 3, तो कितने भाई हैं, जब तक ये तो पता होना चाहिए ना। चलिए पूरा आपके पास अभी फरमा रहे क्वेश्चन का, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। आज मैंने बोला था आपको, वादा भी किया था कि आपके पास ये जो 200 क्वेश्चन की पीडीएफ है ना, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से आपने सॉल्व कर लिया तो इससे बाहर कुछ नहीं होना है, ठीक है। चलिए कह रहा यदि कूटवासा में स्टोर्ड को क्या लिखा जा रहा है भाई, स्टोर्ड को देखो, यू आर क्यू पी जी बी यही लिखा गया ना, तो एस से यू +2 -2 +2 -2 की श्रृंखला चल रही है। तो भाई पहले +2 हो गया तो R, फिर -2 हो गया तो M, फिर +2 हो गया तो L, फिर -2 हो गया तो ये, फिर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, बात खत्म। कह रहा दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनना है, है ना। तो 15 × 4 प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये भी 22 × 4 प्लस 3 हो जाएगा, ये भी 4 प्लस 3 आएगा, तो कोई तो आया ही नहीं, चले जाइए ई के साथ, नन ऑफ दीज, ठीक है। ए आर सी यू ई एक्स जी ए, है ना, देखो दो दो बढ़ रहा भाई, 1, 3, 5, 7 तो 9 आई से स्टार्ट होगा, आर सी यू 3 बढ़ा होगा, ये भी 3 बढ़ गया, ये भी 3 बढ़ गया, तो ये भी 3, आई डी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 31, 17, 48, 65 और 113 है ना, 31, 17, 48 ठीक है, 65, 113 नंबर को आपस में ऐड कर दो, 31 + 17 कितना हो गया 48, 17 + 48 कितना हो गया 65, और 65 + 113 और 113 और 65 को ऐड करेंगे तो भाई मेरे कितना आ जाएगा, ठीक है 178, ये आएगा ना 178, ऑप्शन में है ही नहीं, बात खत्म। चलिए कह रहा है दर्पण में देखने पर अगर 8:30 का समय दिखा रहा है उसमें वास्तविक समय क्या होगी भाई, तो 11:60 से घटा दीजिए ना, ये 3:30, 3:30, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या कह रहा भाई, पर्ल मीनार जो है वो स्काई मीनार से ऊंची है, जो भी पर्ल मीनार है वो स्काई मीनार से क्या है, ऊंची है, लेकिन यूनिटी मीनार से छोटी है, यूनिटी मीनार से क्या है भाई, ये छोटी है,
यूनिटी मीनार तथा साइबर मीनार की ऊंचाइयां समान है। यूनिटी मीनार और साइबर मीनार की ऊंचाइयां क्या है भाई, समान है। इंडस और पर्ल मीनार जो है वो इंडस मीनार से क्या है भाई, छोटी है भाई। इंडस पर्ल मीनार जो होगी इंडस मीनार से छोटी होगी, या तो इंडस यहां भी आ सकता है और या तो इंडस यहां भी आ सकता है। इन इमारतों में दूसरी सबसे छोटी मीनार कौन सी है, तो दूसरी सबसे छोटी मीनार जो होगी मेरे भाई वो पर्ल की होगी, और वहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कह रहा भाई ललित पूर्व की ओर जो होता है वो 9 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है। चलिए देखिए, मैंने आपको बताया है कि जब भी डायरेक्शन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, NESW से सॉल्व कर लो भाई। पूर्व की ओर कितना चल रहा है भाई, 9 किलोमीटर। फिर वो बाईं ओर मुड़ता और कितना चलता है भाई, 8 मीटर। वो फिर से बाईं ओर मुड़ता और कितना चलता है, 3। ठीक है, अब कह रहा है कि वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, घटाओगे 9 माइनस 3 कितना हो गया 6, 8 माइनस 0 8, तो डायरेक्शन तो भाई नॉर्थ ईस्ट ही आएगा। 6 और 8 है तो 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। अंडर रूट 64 प्लस 36 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100, तो 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व आएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या किया जाएगा। ठीक है, 5 प्लस 3 कितना हो गया मेरे भाई, 8 इंटू 6 48 हो गया, 9 और 1 10 और मल्टीप्लाई मिडिल नंबर, 7 4 11 मल्टीप्लाई इंटू 8, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा निम्न आकृति में कितने वर्ग है भाई, देख के पता चल रहा होगा, 5 1 2 3 4 और 1 ओवरऑल, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है ऐसे क्वेश्चनों में। ये 5 सेकंड का क्वेश्चन है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन से दाएं बाएं तार्किक अंक, सबसे बड़ा को सबसे छोटा जो होता है उसमें मिली होता है ना, बच्चों ने पढ़े होंगे मिली सेंटी डेसी है ना। पहले आएगा आपका क्या आएगा, मिली आएगा, मिली के बाद क्या आएगा भाई, सेंटी आएगा। तो भाई मिली के बाद डेका मीटर तो बिल्कुल नहीं आएगा, तो सीधे बस आ जाइए। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन के अनुसार से। कह रहा है कि भाई इसमें सही आपको मतलब चूज करना है, सबसे पहले पी ए एन आएगा है ना, और पी ए एन पहला तीसरा आएगा, तीसरा के बाद दूसरा आएगा, और दूसरा के बाद जो होगा वो पैन ठीक है, दूसरा दूसरा के बाद क्या आएगा, पांचवा आना चाहिए क्योंकि पैन के बाद ई सॉरी हाँ ई के बाद जी ही है, फिर चौथा आना चाहिए, फिर यानी कि 3 2 5 4 1 ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाना, आपको सोचना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कह रहा किस गणितीय चिन्ह को भाई सही किया जाए कि आपका इक्वेशन जो हो जाए वो क्या हो जाए, सेटिस्फाई कर जाए है ना। तो भाई देखो अगर इस तरीके से देखा जाए तो भाई यहां मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 10 5 × 5 25 + 5 30 30 = 30 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है ना। कह रहा 35 बच्चों की कक्षा में अरब की जो रैंक है ना वो सिर्फ से छठे स्थान पर है भाई, अरब की रैंक टॉप से कितनी दी गई है मेरे भाई, 6। रानी अरब से 7 रैंक क्या है भाई, नीचे है। रोनी जो है वो अरब से क्या है, 7 रैंक नीचे है। तो भाई इससे 7 रैंक जो नीचे होगा वो कौन होगा, रोनी होगा। ठीक है, तो नीचे से रोनी का रैंक क्या होगा, तो भाई 6 और 7 है तो टोटल कितना हो गया भाई, 13 हो गया। पूछ कहां से रहा है, नीचे से पूछ रहा है ना भाई। ठीक है, तो टोटल नंबर इक्वल टू क्या होता है, टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, तो बॉटम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 - 1 = 12। 35 में से मेरे भाई 12 घटा दो, और 35 में से जब 12 घटाओगे तो 23 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी टिक कर देना है। ठीक है, क्लियर। चलिए क्या कहा जा रहा है, पी क्यू आर के लिए कोड क्या है, एबीसी बीसीडी को दर्शाता है, डी एफ ई एफ जी को दर्शाता है। ठीक है, एल एम एन एम एन ओ को दर्शाता है, और ओपी क्यू पी क्यू आर को दर्शाता है। तो भाई ये तो फिक्स है कि पी क्यू आर का कोड क्या है, अगर देखा जाए तो दिए गए प्रश्न के लिए भाई अकेले दोनों के दोनों क्या है, पर्याप्त है, है ना। आप एक से भी बना सकते हो और दो से ही बना सकते हो, सेम उसी क्रम में अगर देखा जाए तो। ठीक है ना, दोनों या तो भाई ये भी पर्याप्त है और ये तो, या तो ये तो, एक ही आप किसी भी एक सिंगल को ले चाहिए, बी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
भाई जे इक्वल टू 10 है, ये टोटल नंबर हो गया। अब जैस्मिन को देखो क्या किया गया होगा, 10 प्लस 1 प्लस 19 प्लस 13 प्लस 9 प्लस 14 प्लस 5 है ना, तो 10 और 1 कितना हो गया 19, 19 और 19 कितना हो गया 38, 38 और 13 कितना हो गया भाई 51, 9 60, 60 और 14 74 और प्लस 5 कितना हो गया भाई 79, ये हो गया ना मेरे भाई 10 और 1 11, 11 और 19 कितने हो जाएंगे भाई मेरे 30 प्लस 22 52, 52 प्लस 19, नंबर को बस ऐड कर दीजिए 71 आएगा इसको एस्टिमेट में, 5 19 5 24, 24 20 44, 44 9 53, 53 और 13 66, 1 67, 20 87 और 5 92, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है चलिए, कह रहा दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों युग्मों का चयन करना आपको, इसमें से बताना भाई आपको। अब ये देखो बी वाई अपोजिट, दोनों के दोनों अपोजिट हैं, यहां भी अपोजिट हैं बट यहां नहीं है, ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाना है। ठीक है ये देखो क्वेश्चन मैंने आपको सीरीज में करवाया हुआ है ना, ये 3 का क्यूब प्लस 3 है, ये 4 का क्यूब प्लस 4 है मेरे भाई, 5 का क्यूब प्लस 5 है, ये 6 का क्यूब प्लस 6 है और ये 7 का क्यूब प्लस क्या होगा 7, सेम इसी तरीके से क्या हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 2 यानी कि 10, बात खत्म। ठीक है चलिए 25 में से 7 घटाओ भाई 18, 6 घटाओ 12, 5 घटाओ 7, फिर 4 घटाओ क्या आ जाएगा 3 और ऑप्शन सी आना चाहिए, ई के साथ चले जाइए है ना। ये सब क्वेश्चन देखते के साथ समझ में आ जाना चाहिए। 6:25 पीएम पे देखो ये जो फॉर्मूला होता है याद रखना, क्लॉक का 11/2m-30h है, 11/2m-30h है, अगर m की वैल्यू कितनी हो गई भाई 25, 11/2 × 25-30 और घंटे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 है ना, इसे कैलकुलेट कीजिएगा आएगा 137.5 माइनस कितना आ जाएगा 80 आएगा मेरे भाई, और जब इसे कैलकुलेट की जाएगी तो भाई 42.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी के साथ आपको आगे बढ़ जाना है, बिल्कुल बढ़ जाना है। चलिए ठीक है, कह रहा एक कक्षा में 5 पंक्ति हैं तथा 5 बच्चे हैं, एक दूसरे के पीछे 5 अलग पंक्तियों में बैठाया गया, ए सी के पीछे बैठा है, ए जो है वो किसके पीछे बैठा है, सी के पीछे बैठा है। ठीक है ए जो है वो सी के पीछे बैठा है परंतु बी के सामने बैठा है ना भाई, अब क्या रहा कि भाई बी के क्या बैठा है, सामने बैठा है। ठीक है तो भाई बी के क्या हो गया भाई, ये सामने हो गया, सी ई के पीछे बैठा है, सी जो है वो किसके पीछे बैठा भाई, ई के पीछे बैठा है, परंतु है ना सी ई के पीछे बैठा है परंतु किसके सामने है, डी के सामने है, ये लोग पहले से आखिरी पंक्ति में किस प्रकार से बैठे हैं। ठीक है सी जो है वो ई के पीछे बैठा है परंतु जो है वो डी के क्या होगा, सामने बैठा है ना, तो भाई डी के सामने बैठा होगा है ना, ए सी के पीछे बैठा, बिल्कुल ए सी के पीछे बैठा है। ठीक है इसके बाद फिर क्या कहा जा रहा है, तो सी जो है वो ई के पीछे बैठा है लेकिन डी के सामने बैठा है, तो यही आना चाहिए डी ई सी ए भी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाइए है ना। चलिए कह रहा एक आदमी अपने कार्यालय से उत्तर दिशा में चलना आरंभ करता है और वो अपने बाएं मुड़ता भाई, ठीक है चलना आरंभ करता है वो अपने बाएं मुड़ता और फिर अपने दाएं मुड़ता और पुनः अपने दाएं मुड़ता, उसका मुंह किस दिशा में है भाई, उत्तर है, उत्तर के बाद देखो कितनी बार राइट टर्न लिया, 2 राइट, और कितना लेफ्ट टर्न लिया भाई, 1 राइट, तो 2 राइट प्लस 1 लेफ्ट मतलब एक ही राइट तो उसने एक्स्ट्रा लिया, क्योंकि 1 राइट और 1 लेफ्ट तो सेम रेट देगा, और नॉर्थ के राइट में कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, सी, इसलिए ऑप्शन नंबर किसके साथ चले जाइए, सी के साथ। ठीक है चलिए कहा जा रहा है दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या को ज्ञात करने 30 सेकंड का टाइम है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए 30 सेकंड ओनली। जी
चलिए देखिए, अठहत्तर प्लस 25 130, अठहत्तर प्लस 9 87, अब 57 या फिर ये कर सकते 87 माइनस 9 ये हो जाएगा है ना, तो भाई 57 में कितना जोड़ देंगे तो 47, बात खत्म। ये तो इजी क्वेश्चन है, कह रहा निम्न आकृति में कितने वर्ग हैं है ना। अब देखो बच्चा ये सोचेगा ना कि 10 और 10 होंगे, तो 10 और 10 20 तो हो गए, लेकिन याद रखना इसके बीच में ये भी एक वर्ग बनेगा और यही आपको कहां लेकर के जाएगा 21 तक, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है चलिए, क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों के सही क्रम को चयन कीजिए किसी फूल के भीतर से बाहर के प्रजनन तंत्र पर आधारित है ना। तो भाई सबसे पहले क्या होगा, भाई मेरे ख्याल से बीजांड होगा, बीजांड के बाद आपका अंडाशय होगा, और अंडाशय के बाद जो होगा वो क्या होगा वृत्तिग्रागर होगा, और उसके बाद पंखुरी होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी होगा, और कुछ ज्यादा चीज पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है चलिए, क्या कह रहा भाई, वही डिक्शनरी है ना, तो डिक्शनरी में सबसे पहले भाई पीटी पीटीआई सब तो है ओ है, ओ के बाद एनबी है, तो सबसे पहले पेटिशन ही आएगा। ठीक है, फिर पेटिशन के बाद पेटिशनरी आएगा, तीन के बाद वन आएगा है ना, इसके बाद फिर क्या आएगा भाई पांच ई 31542 यही आएगा आपका, ई के बाद डी यहां पर, ई के बाद आर है। ठीक है चलिए, कह रहा आंख जो होता है वो आंखों की दोष, आंख में आंखों की दोष, दांत में क्या पाया जाता है भाई, पायरिया भी होता है, ऑप्शन नंबर ए दांत की बीमारी है ये है ना। जैसे वहां पर आंख में क्या होता है निकट दृष्टि दोष होता है और दीर्घ दृष्टि दोष होता है, उस तरह से दांतों में क्या पाया जाता है आपका पायरिया। कह रहा कि भाई 3 × 5 × 7 × 2 = 24, ये क्यों किसी क्या कहता है ना इक्वेशन पे, तो इसमें देखो किया क्या गया होगा, 3 × 5 = 15 + 7 + 2, तो 15 × 7 = 22 और 2 कितने हो जाएंगे 24। सेम 4 × 4 कितना हो गया 16 + 8 = 24 + 9 = 33। कह रहा एक परिवार में श्रीमान और श्रीमती गजानन की 5 पुत्रियां हैं, ठीक है, और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, परिवार में कितने व्यक्ति हैं है ना। देखो भाई 5 पुत्रियां हैं और 5 पुत्रियां की एक भाई है ना, तो 5 सबकी एक ही भाई होने के, ऐसा तो नहीं होगा कि हर भाई मतलब जो ऐसा बहन का अलग अलग भाई होगा तो 5 भाई होगा, नहीं, तो भाई सबका अगर एक ही भाई है तो 5 पुत्रियां, तो 5 और 1 6 तो ऐसे हो गए, और श्रीमान और श्रीमती हो गए, तो 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8, आप किसके साथ चले जाइए उपयुक्त में से कोई नहीं है ना। चलिए अब कह रहा है कि 3 वर्ष बाद एस की आयु क्या होगी, यही चीज तो पूछा जा रहा है ना आपसे। कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद एस की आयु क्या होगी, एम की वर्तमान आयु 25 वर्ष है और एस जो है वो एम से 10 वर्ष छोटा है, तो एस एम से 10 वर्ष छोटा मतलब 15, यानी 1 और 2 एक साथ पर्याप्त, दोनों का यूज कीजिएगा तभी इसका आंसर आ सकता है। कह रहा भाई E = कितना हो गया 5, होटल H की वैल्यू 8 + 15 + 20 + 5 + कितना हो जाएगा 12, टोटल ऐड कीजिए भाई कितना आ गया 60, 5 से डिवाइड किया गया कितना हो गया 12, तो लैम्ब का निकालना है 12 + 1 = 13 + 13 = 26 + 2 = 28, 4 से डिवाइड कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ लेटर से आ जाएगा। अब कहो सर ई की वैल्यू 5 थी भाई, वहां टोटल नंबर ऑफ लेटर भी तो 1 था, तो 5 में अगर 1 से डिवाइड कर दिए तो 5 ही आएगा है ना। चलिए कह रहा दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर, ऑब्वियसली सी बात है, ये देखो 5 का क्यूब है, ये क्या है मेरे भाई 7 का क्यूब है, और ये क्या हो गया भाई 12 का स्क्वायर हो गया, ऑब्वियसली सी बात है ऑड वन आउट आपका कौन सा हो जाएगा 144। ठीक है चलिए 1 11 35, देखिए इस क्वेश्चन को मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है ना, 1 का क्यूब + 1 का स्क्वायर - 1,
टू का क्यूब प्लस टू का स्क्वायर माइनस वन, सेम चीज थ्री का क्यूब प्लस थ्री का स्क्वायर माइनस वन, फोर का क्यूब प्लस फोर का स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, फाइव का क्यूब प्लस फाइव का स्क्वायर माइनस वन, ऑप्शन नंबर ए है ना। चलिए दो बारह छत्तीस अस्सी, इसको भी मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है, ऑप्शन नंबर 252 होगा, पांच का क्यूब प्लस पांच का स्क्वायर, चार का क्यूब प्लस चार का स्क्वायर, तीन का क्यूब प्लस तीन का स्क्वायर, दो का क्यूब प्लस दो का स्क्वायर, वन का क्यूब प्लस वन का स्क्वायर, मेरे भाई है ना। चलिए कह रहा अगर 19 फरवरी 2018 को सोमवार है तो 19 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। भाई फरवरी है, फरवरी एक दिन तो ऐसा ही चला गया भाई, यानी कि 19 फरवरी 2019 को जो है वो आपका हो गया ट्यूसडे, और फैब है नॉर्मल ईयर है 28 दिन होंगे तो 9 बच गया भाई फैब में, मार्च का बच गया 3 और ये 19 दिन 22 और 9 कितने हो गए 31 हो गए, ठीक है, और 31 में अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3, और मंडे में 3 दिन ऐड करेंगे मेरे भाई तो आंसर क्या हो जाएगा गुरुवार है ना। एक साल में याद रखिए, आपको मैंने बताया भी है प्रीवियस क्वेश्चन में, देख लीजिएगा भी वीडियो देखिएगा, तो भाई किसी भी नॉर्मल ईयर में कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं, एक एक्स्ट्रा डे होते हैं, ठीक है। तो भाई ये सोमवार हो गया, 19 फरवरी 2018 क्या है सोमवार है, 19 अप्रैल 2019 क्या हो जाएगा मंगलवार हो जाएगा है ना, सॉरी मंगलवार हो जाएगा, ट्यूसडे होगा तो यहाँ ट्यूसडे में हमें कितना दिन ऐड करना होगा 3 दिन ऐड करना होगा, और ट्यूसडे में 3 दिन ऐड करेंगे तो हम शुक्रवार के साथ चले जाएंगे। तो भाई फरवरी में कितने दिन होते हैं 28, नॉर्मल ईयर है तो 9 बच गया, मार्च में 31 में 7 से भाग दीजिएगा 3 आ जाएगा, और उसके बाद 19 तो ट्यूसडे में 3 आप फरवरी में शुक्रवार के साथ, ठीक है। कह रहा ए बी सी डी ई एफ दो पंक्तियों में बैठे हैं प्रत्येक 3 में है ना, ई जो है वो किसी सिरे पर नहीं है और डी एफ के बाएं दूसरा है, ठीक है। अब देखो 6 लोग दो पंक्तियों में बैठे हैं, ठीक है, सी बी के पड़ोसी के विपरीत था, बी एफ का पड़ोसी है ना, तो बी के विपरीत दिशा में कौन है ना, यही कहा जा रहा है ना। कह रहा ई जो है वो किसी सिरे पर नहीं और डी जो है वो एफ के क्या है भाई बाएं दूसरा है, ठीक है, डी जो है वो एफ के क्या है भाई बाएं दूसरा है, सी जो है वो बी और एफ का क्या है भाई पड़ोसी है। अब डी अगर एफ के बाएं दूसरा है मान लो तो भाई डी जो होगा वो एफ के बाएं दूसरा हो गया, और एफ जो है वो बी का क्या है पड़ोसी है, सी बी के पड़ोसी के विपरीत है, बी के पड़ोसी के क्या है भाई सी विपरीत है, तो भाई सी या तो यहां आएगा या तो यहां आएगा है ना, ठीक है, और ई किसी भी सिरे पर नहीं है तो इसका मतलब ई तो भाई यही आएगा, बी के विपरीत दिशा में कौन है भाई, तो बी के विपरीत दिशा में ऑब्वियसली सी बात है कौन आएगा, ई आएगा, बात खत्म है ना। चलिए चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 126 है ना, क्या कह रहा देखो, संध्या 2 किलोमीटर सीधी रेखा में बिंदु ए से बी तक जाती है, सीधी रेखा में जाती है, ठीक है, हमने मान लिया भाई नॉर्थ ही में गई, एनएसडब्ल्यू लिख लीजिए, 2 किलोमीटर सीधी रेखा में बिंदु ए से लेकर के बी तक जाती है भाई, ए से चलना स्टार्ट की कहां पहुंच गए बी पे, फिर वो 90 डिग्री अपने बाई और मुड़ती है और 8 किलोमीटर दूरी स्थित पर सी तक जाती है, फिर वहां से 90 डिग्री अपनी बाई और 5 किलोमीटर जाती है, ठीक है, चली गई 5 किलोमीटर और यहां तक डी पे पहुंच गई, फिर वो 90 डिग्री बाई और चलती है और बिंदु डी तक पहुंचती है, फिर 8 किलोमीटर भाई चलती है भाई 8 किलोमीटर, तो भाई 8 में से 8 गया 0, 5 में से 2 गया कितना हो गया 3, ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म। ये सबसे बेस्ट मेथड है आपको इस टाइप के क्वेश्चन के डायरेक्शन का सॉल्व करने का, जहां पर आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होगा है ना। चलिए क्या कहा जा रहा है भाई देखो, ठीक है, 7 6 13 13 और 1 14 और 14 का दुगना 28, 9 2 11 और 4 कितने हो गए 15, 15 का दुगना कितना होगा 30, 8 5 13 13 3 कितने हो जाएंगे 16 और 16 का दुगना मेरे भाई 32 होगा। कह रहा भाई निम्नाकृति में कितने वर्ग है, ये तो पूछने की जरूरत नहीं क्योंकि ये सब कोई भी वर्ग नहीं होगा, जो वर्ग होगा वो इसी के अंदर होगा, तो 5 1 2 3 4 एक पूरा ओवरऑल, ठीक है। अब बताइए सबसे पहले क्या आएंगे, कोनी कंधे आंखें पैर और घुटना, तो सबसे पहले तो आंखें आएंगे,
ठीक है, आंख के बाद क्या आना चाहिए था भाई, कंधा, नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए, कहा जा रहा भाई जंकेडर जंसन जंटर जंकेटरिंग, ठीक है, और जंक्चर्स। तो भाई सबसे पहले इसमें क्या आएगा, JUN तो भाई सब में कॉमन है, फिर उसके बाद CTI, तो सबसे पहले तो दूसरा आएगा, ये तो फिक्स है, फिर दूसरा के बाद क्या आएगा, पांचवा आएगा, ठीक है। पांचवा के बाद भाई EER, तो ये तो ऐसे ही सबसे लास्ट चला गया, तीसरा सबसे लास्ट में चला जाएगा, तो दूसरा पांचवा हो गया, फिर 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा मेरे भाई, सी, ठीक है। घर रसोई, घर में रसोई होता है और पौधे में क्या होती है, पत्ती होती है, जड़ से पौधा बनता ही, मैं सोचना पौधा में जड़ भी होता है, ठीक है। कह रहा 4 × 5 कितना हो गया, 42। अब देखो 42 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं भाई, तो भाई यहां भी सब में दो दो ऐड कर दो, 4 + 2 = 6, 6 × 7 = 42, 7 × 8 = 56, 6 + 2 = 8 × 9 = 72, तो 9 × 10 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, बात खत्म, है ना। चार बक्सों का वजन 70, 120 तथा 40 किलोग्राम है, कुल वजन को कौन सा नहीं हो सकता है, है ना। तो भाई आप देखा जाए तो इससे 170, 90, 230 तो आप वजन कर सकते हो, ठीक है, 160 भी कर सकते हो और 190 भी कर सकते हो, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, एक ही बार प्रयोग में लाया जाए, तो भाई कुल वजन को कौन सा नहीं हो सकता, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यस यही नहीं हो सकता, ठीक है। देखो यही जो पांच ऑप्शन का खेल है ना, ये थोड़ा सा आपका बस इसमें समय बर्बाद करता है, है ना। समय वैसे भी आपके पास भरपूर होते हैं, आप इत्मीनान से जा करके आराम से जो भी क्वेश्चन दिए गए इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करके चले जाना, और ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई, आराम से जाइए, कीप पेशेंस, है ना। अब ये कह रहा है कि दिए गए कथनों में से एक्स वाई जेड का आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। तो भाई सिंपल सी बात है, आपको इसमें दोनों कथन का यूज करना पड़ेगा, तो 1 और 2 दोनों की जरूरत, यानी कि दोनों पर्याप्त है, 1 और 2 दोनों पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा मेरे भाई, सी जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा मेरे भाई, सी जाएगा, ठीक है। चलिए, कह रहा राम को क्या लिखा गया भाई, 31, है ना, फैन को क्या लिखा गया, 20, तो उसी भाषा में कोर को, कोर का कोड क्या होगा, ये कह रहा है 18 + 1 + 13, टोटल एडिशन 18, 1, 19, 13, 32 में से एक घटा दिया गया, फैन 6 + 1 + 14 एक घटा दिया गया, कोर की बात करें तो 18, 15, 33 और 3, 36 में से एक घटा दीजिए, 35, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा दिए गए विकल्पों में से आपको ऑड वन आउट चुनना है, क्या चुनना है मेरे भाई, ऑड वन आउट चुनना है, ठीक है। देखो सहनाई भी बजाई जाती है, बांसुरी बजाई जाती है, और ट्रम्पेट भी आपको क्या की जाती है, बजाई जाती है, ठीक है, तो इसलिए इसमें से कोई ऑड वन आउट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई के साथ चले जाइए, ठीक है। क्या कह रहा भाई, ECGHFMKIT। अब देखो भाई ई और एच, ठीक है, 5, 3, 8, 8, 3, 11 और 11, 3 कितना होना चाहिए था, 14, एन से स्टार्ट होगा, है ही नहीं, चले जाइए, उपर्युक्त में से कोई नहीं, है ना। 7.5 - -, जिसका मतलब -2 से मल्टीप्लाई, ये भी -2 से, ये भी -2 से, और फिर जब 60 में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -120, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। कह रहा भाई 7, 49, 31, 9, 52, 42, देखो 9, 59 और 42 है, 7, 49 और 31, ये कितना आएगा भाई, घटाओगे तो 11, 10, 2, ये तो अंतर आ गया। उसके बाद कह रहा शुरू की और गंतव्य पर इतना पहुंच गया, रोहित ने अपनी यात्रा पुष्पक के 58 मिनट,
48 सेकंड बाद आरंभ की और गंतव्य पर उसके 51 मिनट 39 सेकंड के बाद पहुंचा। तो रोनित ने अपनी यात्रा कितने समय में पूरी की थी, है ना? रोनित ने अपनी यात्रा कितने समय में क्या की थी, पूरी की थी। देखो क्या कह रहा, 58 मिनट 40 सेकंड बाद आरंभ की रोनित ने, है ना, 58 मिनट और 40 सेकंड क्या किया इन्होंने बाद यात्रा किया और गंतव्य उसके 51 मिनट 39 सेकंड क्या पहुंचा, बाद पहुंचा, है ना, यही कर रहा है ना भाई। 58 40 और गंतव्य पर उसके कितने मिनट के बाद पहुंचा भाई, 51 मिनट 39 सेकंड। तो भाई 58 मिनट 40 सेकंड के बाद आरंभ की और 51 मिनट और 39, यानी कि उससे तो ज्यादा ही हो गया। तो क्या हो गया इसका, यानी कि 59 सेकंड इसने और लेट से की होगी, तो 2:11 आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। उपयुक्त में से कोई नहीं पे चले जाइए, टिक पे दीजिए, है ना। चलिए 51 मिनट, अच्छा नहीं 51 मिनट 39 सेकंड है ना, सॉरी 58 मिनट 40 सेकंड बाद, तो यहां से आपका 7 मिनट का डिफरेंस आएगा, यानी 2 मिनट 3 मिनट 30 सेकंड, है ना। चलिए 5 लड़कियां RST पी तथा क्यू उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठी है, टी पंक्ति के मध्य बैठी हुई है, ठीक है भाई, टोटल 5 ही हैं और टी जो है वो पंक्ति के मध्य बैठी हुई है। क्यू क्रमश पी के तुरंत दाई ओर तथा टी के तुरंत बाई ओर बैठी होगी, टी के तुरंत बाई ओर कौन बैठा, क्यू, यहां पर कौन बैठ गए, पी, एक्स पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठी, एस यहां बैठ जाएगा, यहां पर आर हो गया। आर के बाई ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, बाई ओर से तीसरे स्थान पर 1 2 3 क्यू बैठा है भाई, बी, ठीक है। चलिए एक दिन गणेश अपने घर से निकलकर 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा में साइकिल से चलता है, भाई इसी को याद रखो, NESW क्या चलता है भाई, साइकिल चलता है 10 किलोमीटर, फिर दाई ओर मुड़ते हुए 5 किलोमीटर, फिर दाई ओर घूमते हुए 10, और फिर अंत में बाई ओर घूमते हुए 10 किलोमीटर चला, ठीक है, फिर दाई ओर मुड़ते हुए कितना चला भाई, 5, ठीक है, फिर दाई ओर घूमते हुए कितना चला, 10 किलोमीटर, अंत में बाई ओर घूमते हुए 10 किलोमीटर चला, अंत में बाई ओर घूमते हुए भाई 10 किलोमीटर चला, कितने किलोमीटर भाई, ये तो 10 - 10 0 हो गया और ये टोटल ऐड कर दो 15, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्लियर। चलिए कह रहा भाई लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए, तो भाई 3 × 2 कितना हो गया, 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7, 4 × 5 = 20, 20 + 3 = 23, 7 × 3 = 21 + 0, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या बताएं, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या बतानी, ठीक है भाई, 1 2 3 4 5 एक पूरा ओवरऑल 6 तो ऐसा ही हो गया, 1 क्या हो गया भाई 7, 1 क्या हो गया भाई 8, अब 1 देखो ये भी हो जाएगा 9, है ही नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। आने वाले क्रम के अनुसार लिखे, पहले ब्रेन या ब्रेल, ब्रेल आएगा सबसे पहले, यानी कि ठीक है, बोस्ट, ब्रूम, बूम है, है ना, तो पहले बोस्ट आएगा, बोस्ट के बाद बूम आएगा, यानी 2, 2 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद आपका आएगा 3, 1, 4, 2, 5, 3, 1, 4, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यदि शब्द कौशल को प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी बना क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो ऐसी अवस्था के बाद कौन सा अक्षर ठीक मध्य स्थान पर होगा, सबसे पहले क्या आएगा मेरे भाई ए, ए के बाद क्या आएगा सी, सी के बाद क्या आएगा डी, डी के बाद क्या आएगा ई, है ना, ए सी डी ई, ई के बाद फिर क्या आ जाएगा आई, आई के बाद क्या होगा एन, एन के बाद क्या आएगा ओ, उसके बाद टी और यू, तो एग्जैक्ट बिटवीन कौन होगा भाई मेरे आई, ऑप्शन सी। आंखों में ऑप्थोलॉजिस्ट संगीत में क्या होगा, स्पुटिस्ट में से कोई नहीं, है ना, आंख का एक स्पेशलिस्ट होता है जिसे ऑप्थोलॉजिस्ट कहा जाता है, कि स्पेशल प्रकार का जो होता है वो आंख का क्या होता है ना, वो सेवा करता है, ठीक है, मतलब बीमारी का वो सेवा करता है, ठीक है। कह रहे थी एक्स का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, यू का अर्थ है, वाई जेड है, तो किस व्यंजक का कथन आपको क्या है सत्य है, इसको पुट करके देख लीजिए आप,
है ना, ये सारे कैलकुलेशन बेस्ड हैं, इसको आप कर लीजिए तो आंसर कौन सा आ जाएगा, देखिए चेक कीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, कैलकुलेशन है सारे के सारे, इसे चेक कर लेने। कह रहा वर्तमान में जय और उसके पिता के आयु का अंतर 35 वर्ष है, 5 वर्ष बाद उनके आयु का योग जो होगा वो 135 है, तो 12 साल बाद जय और उसके पिता की आयु क्या होगी। देखो क्या कह रहा है, वर्तमान में जय और उसके पिता है ना, जय मान लिया हमने एक्स और उसके पिता कितना हो गया वाई, तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी दी गई है 35, 5 वर्ष बाद उनके आयु का योग जो होगा वो क्या होगा 135 होगा, यानी कि 5 वर्ष बाद एक्स प्लस वाई प्लस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 135, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू जो होगी वो 125 हो जाएगी, है ना। चलो तो यहां से हम निकाल सकते हैं भाई 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 12 3 15 तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 80, तो x की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, सॉरी 160 आएगा ना, तो x की वैल्यू कितनी है 160 होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 आ जाएगी, है ना। और ऑब्वियसली जब 80 होगी 80 में से कितना घटाएंगे 35 आ जाएगा, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 45, एक 80 और ये 45 पूछ रहा है भाई 12 साल बाद, तो 57 और 92 है ना। चलिए कह रहा भाई जॉन की आयु कितनी है, यही चीज कहा जा रहा ना, कह रहा कि भाई जॉन की आयु कितनी है, यही चीज आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है, ठीक है। कह रहा कि भाई जॉन जो है, ठीक है, अपने भाई पीटर से 3 वर्ष छोटा है, जॉन अपने भाई पीटर से क्या है 3 वर्ष छोटा है, और पीटर की आयु अब 15 वर्ष है ना, तो भाई जॉन अपने भाई पीटर से क्या है 3 वर्ष छोटा है, दोनों पर्याप्त होने चाहिए आपको ऑप्शन नंबर ए, है ना। और इसी के साथ आपकी ये जो हमारी 200 प्रश्न की श्रृंखला थी ये समाप्त होती है, ठीक है। आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए, ऑल द बेस्ट। एक चीज भाई आपसे ही उम्मीद करता हूं कि आप अपनी मेहनत करते रहिए, अच्छे तरीके से करते रहिए, ईमानदार तरीके से करते रहिए, है ना। ईमानदारी तरीके से कहिएगा, कहीं ना कहीं सफलता पा जाइएगा, ठीक है। इस सारे क्वेश्चन को आप देख लेना, है ना, अच्छे तरीके से देख लेना, ठीक है, और सॉल्व भी कर लेना। हमें नहीं लगता कि इससे बाहर क्वेश्चन आएंगे, 200 क्वेश्चन बहुत है भाई, कुछ क्वेश्चन तो रिपीटेड है इसमें, है ना। तो रिपीटेड कहने का मतलब है कि सेम टाइप पर है, उस क्वेश्चन को आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, खुदा हाफिज, जय हिंद।